हेलो एवरीवन। तो आज यार हम एक नवा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का, जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। हम पहले 3 चैप्टर कर चुके हैं 11th क्लास की केमिस्ट्री के, तो आज हम 4th चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। अगर मेरे से कोई जेई या नीट का एस्पिरेंट पूछे कि पूरी केमिस्ट्री में मुझे ये बताओ सर या भैया कि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है केमिस्ट्री का, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरी जुबान से केमिकल बॉन्डिंग के अलावा कोई और नाम निकल जाए। जाई मैं 11th क्लास की केमिस्ट्री की बात करूं, जाई 12th क्लास की केमिस्ट्री की बात करूं, आपके टोटल लगभग 30 चैप्टर हैं केमिस्ट्री में, 11th और 12th दोनों को मिला के। उन सब में से अगर मेरे से कोई एक चैप्टर पूछा जाए कि सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो मैं केमिकल बॉन्डिंग का ही नाम लूंगा। अगर आपका केमिकल बॉन्डिंग स्ट्रांग है तब आपका पूरी इनऑर्गेनिक स्ट्रांग हो जाएगी। पूरी इनऑर्गेनिक आपकी केमिकल बॉन्डिंग पे ही डिपेंड है। एट द सेम टाइम आपकी जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करेंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 30-40% क्वेश्चन आपके प्योरली बेस होते हैं केमिकल बॉन्डिंग पे। अगर आपको केमिकल बॉन्डिंग नहीं आता तो ऑर्गेनिक के 30-40% क्वेश्चन करने में भी प्रॉब्लम आएगी। एट द सेम टाइम फिजिकल में भी 20-30% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें केमिकल बॉन्डिंग का यूज होता रहता है। तो अगर आपका केमिकल बॉन्डिंग अच्छा ना रहा तो आपकी इनऑर्गेनिक भी वीक होगी, ऑर्गेनिक भी वीक होगी, और एट द सेम टाइम फिजिकल भी वीक होगी। मतलब आपकी पूरी केमिस्ट्री वीक रह जाएगी। और दूसरे वे में बोलूं, पॉजिटिव वे में बोलूं, तो अगर आपका केमिकल बॉन्डिंग स्ट्रांग है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी केमिस्ट्री वीक रह जाए। आपकी केमिस्ट्री सबसे स्ट्रांगेस्ट हो जाएगी अगर आपका ये चैप्टर स्ट्रांग है। तो अभी तक हम 3 चैप्टर कर चुके हैं और आगे भी हम बहुत से चैप्टर करेंगे, लेकिन इस चैप्टर में पहले 3 चैप्टर के कंपैरेटिवली जितना आपका फोकस था, या आगे हम जितने भी चैप्टर करेंगे उनके कंपैरेटिवली इसमें आपका 1000 गुना फोकस ज्यादा होना चाहिए, राइट? तो इस चैप्टर को यार बहुत ध्यान से करना है। मुझे नहीं पता है कि इस चैप्टर में कितने लेक्चर्स जाएंगे, मुझे नहीं पता है, ठीक है? मैं पूरा इसमें डेप्थ में जाऊंगा क्योंकि ये आपको आगे वाली जितनी भी जर्नी है आपकी उसमें बहुत मदद करेगा। तो मिनिमम मान के चलो 15 लेक्चर्स तो इस चैप्टर में होंगे, मिनिमम बता रहा हूं। आगे कितना जाएगा मुझे नहीं पता है, राइट? क्योंकि देखो, अगर आपका बोर्ड का लेवल ए, आपका मान लो बोर्ड्स का लेवल है ना, ए आपका है मान लो नीट का लेवल, ए है आपका लगभग इतना भी नहीं है, इतना आसपास ही है, ए मान लो है आपका जेई मेंस का लेवल, और ए है मान लो आपका जेई एडवांस का लेवल, ठीक है? ए आपका बोर्ड का लेवल है, आपका नीट का लेवल है, जेई मेंस का लेवल है, जेई एडवांस का लेवल है। तो हम इस चैप्टर को लगभग इस लेवल तक करने वाले हैं, या मान लो कि इससे भी ऊपर मान लो, राइट? इस चैप्टर को हम जेई एडवांस से भी ऊपर लेवल का टच करेंगे कि आपको पूरी इन डेप्थ नॉलेज मिल जाए और वो आपको मदद करेगा आगे पूरी केमिस्ट्री में। बात क्लियर है? समझ रहे हो जो मैं आपको साइकोलॉजी देना चाहता हूं कि कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक बात है? तो चलो शुरू करते हैं। आज बेसिकली जो है हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर है, आज हम फर्स्ट लेक्चर ले रहे हैं जिसमें हम इंट्रोडक्शन लेंगे लेक्चर की और कुछ बेसिक से कंसेप्ट अपने एक केमिकल बॉन्डिंग की एक अच्छी शुरुआत कर देंगे, ठीक बात है? तो चलो नोट्स बनाना शुरू कर दो, हेडिंग डाल लो चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग, ठीक बात है? चलो हेडिंग डालो, ठीक है? नोट्स बनाते रहना यार, हमें केमिकल बॉन्डिंग के नोट्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं। केमिकल बॉन्डिंग, तो शुभारंभ करते हैं, शंख बजा दो, ठीक है? एक नवे युद्ध का आरंभ करते हैं। तो लेक्चर नंबर 1 लेंगे आज हम केमिकल बॉन्डिंग का। आप सबको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। तो बात करना शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है जैसे केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है? इसमें एक वर्ड आ रहा है बॉन्डिंग, तो सबसे पहले एक वर्ड समझ लेते हैं, व्हाट इज ए बॉन्ड, ठीक है? बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूं, बिल्कुल एडवांस से भी ऊपर तक हम जाएंगे। जब आपका लास्ट लेक्चर होगा तब आपको समझ आएगा कितना हम कितने लो से कितने हाई तक गए हैं, ठीक है? तो सबसे पहली बात करते हैं, सबसे पहली बात हमारी इसी पे हो जाए, चलो हल्की सी चर्चा इस पे हो जाए, कुछ मन की बातें हो जाए इस पे। व्हाट इज ए बॉन्ड, कि बॉन्ड क्या होता है, इसकी बात करते हैं। देखो बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड जस्ट एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। बॉन्ड क्या होता है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है,
बॉन्ड कोई ऐसा, अच्छा काफी लोग ने 10th में, 9th में या 11th में भी, 12th में भी, ड्रॉप ईयर में भी, अगर आप जिस जिस क्लास में होगे, ऐसे देखा होगा ना कि जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होता है तो उसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन में ऐसे एक सिंगल बॉन्ड होता है। तो मैं कभी कभी अपने स्टूडेंट से पूछता हूँ कि, या अपने आप लोगों से पूछता हूँ कि ये क्या है, ये बीच में क्या है, तो मैं पूछता हूँ कि ये लाइन क्या बता रही है, तो उनको कुछ नहीं पता होता कि ये लाइन क्या बता रही है। वो कहते हैं बॉन्ड है, मैं पूछता हूँ बॉन्ड है क्या, तो कुछ भी नहीं बताते हैं, उनको पता ही नहीं है बॉन्ड है क्या। ठीक है, बस वो कहते हैं बॉन्ड बॉन्ड है। ठीक है, तो एक कोई ऐसा कुछ नहीं है कि एक हाइड्रोजन इधर है, एक हाइड्रोजन इधर है, बीच में एक डंडा लग गया और ये दो हाइड्रोजन चिपक गए, ऐसी कोई चीज नहीं है, कोई बीच में डंडा सा नहीं है, राइट। ये जस्ट बस एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को डोनेट कर रहा है कि इन दो हाइड्रोजन के बीच में एक कनेक्शन है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो उस चीज को डोनेट कर रहा है। बात ठीक है, तो बॉन्ड क्या होता है? सबसे पहली बात, बॉन्ड एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो दो या दो से ज्यादा एटम्स या आयंस को आपस में कनेक्ट करता है। ठीक है, उन दोनों में आपस में कनेक्शन बिल्ड करता है। बात ठीक है, क्लियर है बात? तो पहली बात, व्हाट इज अ बॉन्ड? इट इज जस्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में है ना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में, इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन स्पीसीज भी लिख सकते हो, है ना। तो स्पीसीज में आपका क्या क्या आ जाएगा? एटम्स आ जाएंगे, है ना, आपका आयंस आ जाएंगे और मॉलिक्यूल आ जाएंगे। ठीक है, तो दो या दो से ज्यादा एटम्स के बीच में, या दो आयंस के बीच में, या दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो इन सब के बीच में जो, इन सबको जो आपस में इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिससे दोनों एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे हैं, उसी को बोलते हैं बॉन्ड, उसी को बोलते हैं बॉन्ड, राइट। ठीक है, तो जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में, जैसे आपका क्या है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, तो ए हाइड्रोजन के एटम ने इस दूसरे हाइड्रोजन के एटम के साथ जो कनेक्शन बनाया है, जो इंटरैक्शन की है, जो ए आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं, उसी को हम बोलते हैं बॉन्ड। और ये बॉन्ड बनने के कारण ही है हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बना, दो हाइड्रोजन एटम आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं और उसके बाद आपका एक बॉन्ड, एक मॉलिक्यूल बना, जिसको हम H2 बोलते हैं। ठीक बात है, इसी तरह जैसे आपका वॉटर हो, है ना, एक वाटर मॉलिक्यूल की अट्रैक्शन हो दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ। ठीक है, एक पहला वाटर मॉलिक्यूल है, ये दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है, इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन है, ए भी आपकी बॉन्ड, एक ए भी, इसको भी हम बॉन्ड बोल सकते हैं, क्योंकि ए भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो दो एटम्स के बीच में, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, दो आयंस के बीच में, वो आपकी बॉन्ड होता है। आगे हम देखेंगे कि बॉन्ड कौन कौन से टाइप के होते हैं, बात अलग है, अभी हम देखेंगे इस लेक्चर में। ठीक बात है, ठीक है, इसी तरह जैसे दो आपके पास आयंस हो, इसी तरह जैसे आपके पास दो आयंस हो, जैसे सोडियम प्लस हो और Cl नेगेटिव हो, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको भी बॉन्ड ही बोलेंगे। अब हम आगे देखेंगे कि इसको आयनिक बॉन्ड बोलते हैं, इसको कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं, सब हम देखेंगे, राइट। लेकिन अभी समझने की बात बस इतनी है कि बॉन्ड क्या होता है। तो बॉन्ड क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बिटवीन स्पीसीज। अब वो स्पीसीज एटम्स भी हो सकते हैं कि इस हाइड्रोजन एटम की, इस हाइड्रोजन एटम के साथ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसी को हम बोलते हैं बॉन्ड। या मॉलिक्यूल के टर्म में डिफाइन करना हो तो इस वाटर मॉलिक्यूल की, इस वाटर मॉलिक्यूल के साथ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिससे एक दूसरे से आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं, उसको भी हम बोल सकते हैं बॉन्ड। ठीक है, ए भी एक आयन दूसरे आयन से जब इंटरैक्ट कर रहा है, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसी को हम बोलते हैं बॉन्ड। ठीक बात है, तो अगर एक सेकंड में बोलूं तो सिंपल सी बात यही है कि बॉन्ड क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है दो एटम्स या दो से ज्यादा एटम्स के बीच में, या मॉलिक्यूल्स के बीच में, या आयंस के बीच में। बात क्लियर है, और कुछ नहीं, कोई डंडा नहीं होता है कि जिससे दोनों एक आपस में चिपके होते हैं। ठीक बात है, तो आज से कोई भी आपसे कोई बॉन्ड पूछे तो आप उनको ऐसे कुछ भी नहीं बोलते रहना कि बॉन्ड बॉन्ड होता है। अरे उसको बताना है कि बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड इज जस्ट ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बात क्लियर है, चलो ठीक है। तो पहली बात, बॉन्ड होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अच्छा, अब बात इस पे करते हैं कि ये बॉन्ड बनाते क्यों है, ए हाइड्रोजन का मोली, ए हाइड्रोजन का एटम, ए हाइड्रोजन के एटम के साथ बॉन्ड बनाता क्यों है, वाई बॉन्ड फॉर्म, बॉन्ड बनता क्यों है ना, बॉन्ड आपका बनता क्यों है, वाई बॉन्ड फॉर्म्ड। तो बॉन्ड बनता क्यों है, बात इसकी करें कि क्यों एक हाइड्रोजन का एटम इधर था, एक हाइड्रोजन का एटम इधर था, ये दोनों आपस में क्लोज आके इन्होंने बॉन्ड क्यों बनाया, ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल क्यों बनाया, बात इसकी करते हैं कि वाई बॉन्ड फॉर्म्ड। तो बॉन्ड बनता है टू अटेन
स्टेबिलिटी, टू अटेन स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए बॉन्ड बनाया जाता है। अभी स्टेबिलिटी कैसे गेन होती है उसको हम इस लेक्चर के लास्ट वाले टॉपिक में करेंगे, इसी लेक्चर में करेंगे। तो अभी के लिए बस इतना समझो कि बॉन्ड इसलिए बनता है कि स्टेबिलिटी गेन हो जाए, ठीक है। अगर अभी मैं आपको समझाना चाहूँ, अभी मैं केमिस्ट्री के लैंग्वेज में नहीं अपनी लैंग्वेज में समझाऊँ, अगर मोहब्बत की लैंग्वेज में, तो आप क्लियरली ये समझ सकते हो। जैसे हाइड्रोजन है, जैसे हम बोलते भी हैं ना, जैसे बोला जाता है कि अगर कोई कोई लड़का अगर या कोई लड़की अगर ऐसे मतलब अपने मन की चलती है ना, अपने मन का करती है, तो हम पेरेंट्स बोल देते हैं ना कि इसकी शादी करा दो तो ये सुधर जाएगा या सुधर जाएगी, है ना, क्योंकि स्टेबिलिटी आ जाती है। वो बात अलग है हालांकि कि शादी के बाद और अनस्टेबिलिटी आ जाती है, जो कर रहा हूँ, ठीक है। तो वैसे बात रियल है भाई, ठीक है, जिसको अब आपको तो पता नहीं है, आपकी अभी शादी नहीं हुई है, है ना, और एट द सेम टाइम आपकी शक्ल देख के लगता भी नहीं है कि आपकी गर्लफ्रेंड होगी या बॉयफ्रेंड होगा, तो चलो वापस आ जाओ, तो जब होगा तब पता लगेगा। हाँ, तो फिलहाल बात करते हैं कि ऐसे होता है कि जब हम कहते हैं कि जब एक एटम जब दूसरे एटम के साथ कंबाइन हो जाता है तो एक स्टेबिलिटी गेन हो जाती है, क्योंकि एक बंधन मिल जाता है, एक कनेक्शन मिल जाता है, आपस में कनेक्शन बना लेते हैं तो एक दूसरे को स्टेबल कर देते हैं। अभी अगर मैं लव की लैंग्वेज में समझाऊं, ठीक है, इतना भी आप समझ सकते हो। अभी हम लास्ट में जब जाएंगे तो केमिस्ट्री के लैंग्वेज में भी समझेंगे, उधर उस एग्जाम में आप मेरी लैंग्वेज में नहीं लिख सकते ना, मोहब्बत के लैंग्वेज में आप बताने लग जाओ, तो केमिस्ट्री के लैंग्वेज में भी देखेंगे और आगे देखेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना समझो कि बॉन्ड क्या होता है, जस्ट एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और बॉन्ड क्यों बनता है, टू अटेन स्टेबिलिटी, टू अटेन स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए बॉन्ड बनाया जाता है, ठीक बात है। अच्छा, तो अब बॉन्ड यार आपके ना बहुत से टाइप के होते हैं, अभी एक एक करके इन क्लासिफिकेशन करते हैं बॉन्ड्स की, बॉन्ड्स की क्लासिफिकेशन देखते हैं कि कितने टाइप के बॉन्ड होते हैं उसको देखते हैं, ठीक बात है। बॉन्ड क्या होता है आपको समझ आ गया, बॉन्ड क्यों बनता है आपको यह समझ आ गया, ठीक है। बॉन्ड इसलिए बनाते हैं कि स्टेबिलिटी गेन हो जाए, किसलिए बनाते हैं कि स्टेबिलिटी हमारी गेन हो जाए। अच्छा, आगे देखते हैं, बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बॉन्ड या टाइप ऑफ बॉन्ड जो भी बोल लो, कि कितने टाइप के बॉन्ड्स होते हैं। चलो, तो देखो बॉन्ड की बात करें तो टाइप्स ऑफ बॉन्ड को अगर हम देखें तो बॉन्ड्स को यार ब्रॉडली अगर हम डिवाइड करना चाहें तो हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक बॉन्ड जिसको हम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बोल सकते हैं, और एक बॉन्ड्स जिनको हम वीक बॉन्ड्स बोल सकते हैं, है ना। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और वीक बॉन्ड का मतलब क्या, एक ओ बॉन्ड जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है और एक ओ बॉन्ड जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, सिंपल सी बात है, ठीक है। अच्छा, तो ब्रॉडली तो हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को ऐसे प्राइमरी बॉन्ड भी बोल देते हैं, है ना, इनको हम प्राइमरी बॉन्ड्स भी बोल देते हैं, और इसको हम सेकेंडरी बॉन्ड्स भी बोल देते हैं, सेकेंडरी बॉन्ड्स भी बोल देते हैं। अच्छा, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की देखो, अगर कहीं मान लो दो एटम के बीच में अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो अगर उस बॉन्ड को तोड़ना है तो एनर्जी ज्यादा लगेगी कि कम लगेगी, बोलो यार। अगर दो एटम्स के बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, एक अच्छा बंधन है, तो उसको अगर तोड़ना है, हमें उस बॉन्ड को तोड़ना है, उस कनेक्शन को तोड़ना है, तो ज्यादा एनर्जी लगेगी कि कम लगेगी, ऑब्वियसली ज्यादा लगेगी क्योंकि अट्रैक्शन ज्यादा है। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के केस में जो आपकी एनर्जी होती है, बॉन्ड एनर्जी जो होती है, वो होती है लगभग 200 किलो जूल से 200 से 400 किलो जूल पर मोल, इतनी बॉन्ड एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। बॉन्ड एनर्जी क्या होता है, वही कि दो एटम्स आपस में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से कनेक्ट है, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसी को बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड, व्हाट इज बॉन्ड एनर्जी, किसी बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसी को बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी लगभग इस रेंज में रहती है और वीक बॉन्ड की लगभग 20 से 40 किलो जूल पर मोल में होती है। एक वैरी भी करता है, किसी बुक में कुछ लिखा होता है, किसी बुक में कुछ लिखा होता है, मतलब इधर लिखा होता है, जैसे कभी कभी कुछ बुक में 100 से 200 किलो जूल भी लिखा होता है ना, लेकिन बस
वैल्यू से समझाने का मतलब आपको बस इतना ही है कि आपको बस इतना पता हो कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है, मतलब उस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स वाले जितनी भी टाइप्स हैं उसको अगर वो बॉन्ड आपको तोड़ना है तो उसके लिए एनर्जी ज्यादा लगती है और वीक बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए एनर्जी कम लगती है। बस इसके वैल्यू से आपको इतनी बताना है, इधर आपसे पूछेंगे नहीं कि बताओ कितनी वैल्यू होती है, बस लिखने का वे यही है कि बताने का ये तरीका है कि वीक बॉन्ड में बॉन्ड एनर्जी कम होती है और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है। ठीक बात है। अच्छा, अब आगे अगर हम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स को फर्दर डिवाइड करें तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आपके थ्री टाइप्स के हैं। कितने टाइप के? थ्री टाइप्स के। चलो एक एक करके इनको भी देखते हैं। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आपके तीन टाइप के होते हैं। पहला है आपका कोवलेंट बॉन्ड, पहला है आपका कोवलेंट बॉन्ड, दूसरा है आपका आयोनिक बॉन्ड और तीसरा है आपका मेटैलिक बॉन्ड, मेटैलिक बॉन्ड। ये तीन टाइप के आपके स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड और मेटैलिक बॉन्ड। इनके बारे में हल्का फुल्का, बहुत ही हल्का फुल्का हमने कहां डिस्कस किया है? एटॉमिक रेडियस के कंसेप्ट में डिस्कस किया, जो हमने थर्ड चैप्टर में एटॉमिक रेडियस की वीडियो बनाई थी उसमें हमने हल्का फुल्का इसमें डिस्कस किया है, लेकिन इस चैप्टर में हम इसको बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए बस मैं आपको बता रहा हूं कि इस एक कोवलेंट बॉन्ड होता है, एक आयनिक बॉन्ड होता है, एक मेटालिक बॉन्ड होता है। आगे जब हम अपने लेक्चर लेंगे, जैसे कोवलेंट बॉन्ड ना आपके सिलेबस का सबसे बड़ा पार्ट है इस चैप्टर का, अगर देखूं कोवलेंट बॉन्ड पे मान के चलो कि आगे के जैसे 6 से 7 लेक्चर जो हैं वो लगभग कोवलेंट बॉन्ड पे ही डिपेंड करते हैं और कोवलेंट बॉन्ड के ही हैं। जो भी हम करेंगे आगे, हम लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स करेंगे, आगे हम वीबीटी थ्योरी करेंगे, एमओटी थ्योरी करेंगे, वेस्पर थ्योरी करेंगे, डाइपल मोमेंट करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, स्ट्रक्चर्स करेंगे, ये जितने भी लेक्चर्स हैं ये कहां किसके लिए हैं? ये कोवलेंट बॉन्ड के लिए हैं। तो आगे के जो 6-7 लेक्चर होंगे लगभग कोवलेंट बॉन्ड के लिए ही होंगे। उसके बाद फिर हम आयनिक बॉन्ड को भी देखेंगे और मेटालिक बॉन्ड को भी थोड़ा बहुत देखेंगे, ठीक है। और आगे बात करूं तो कोवलेंट बॉन्ड भी ना यार फर्दर आपका दो टाइप का होता है। कोवलेंट बॉन्ड आपका पहले तो एक तो होता है सिंपल कोवलेंट बॉन्ड, सिंपल कोवलेंट बॉन्ड, और एक होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। इन सबको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी बस मैं बता रहा हूं कि इस टाइप के बॉन्ड होते हैं। जैसे जैसे चैप्टर आगे चलेगा इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, आयनिक बॉन्ड को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। आयनिक बॉन्ड आपका लगभग 9वें 10वें लेक्चर में आएगा जब हम बात करेंगे कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है, उसमें सारी जो डेप्थ है उसमें हम जाएंगे, तो एक एक करके होगा। अभी बस हम टाइप्स की बात कर रहे हैं कि इस टाइप के बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो आपके स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तीन टाइप के होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड और मेटालिक बॉन्ड। आपका कोवलेंट बॉन्ड फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, एक है सिंपल कोवलेंट बॉन्ड और दूसरा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। एक होता है सिंपल कोवलेंट बॉन्ड और एक होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे जाके, ठीक है। और अगर आप चाहो तो इसको भी और लिख सकते हो कि जो सिंपल कोवलेंट बॉन्ड है वो भी फर्दर आगे दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। हालांकि इतना डिटेल में बताया नहीं जाता है फ्लो चार्ट, लेकिन मैं तब भी बता रहा हूँ जिसको आप इसको अगर आप 10 लेक्चर के बाद वापस इस फ्लो चार्ट को देखोगे ना तब आपको समझ आएगा कि हाँ हाँ कैसे कैसे क्या सीक्वेंस बनाई थी, फिर मजा आएगा। 10 लेक्चर के बाद इसको वापस देखना इस चार्ट को, ठीक है, फिर मजा आएगा आपको देखने में, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आपके तीन टाइप के होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड आगे फर्दर दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, उस सिंपल कोवलेंट बॉन्ड भी फिर आगे फर्दर दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, एक है सिग्मा बॉन्ड और एक है पाई बॉन्ड, ठीक है। अभी आपको जानने की जरूरत नहीं है कि सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड क्या होता है, वो आगे देखेंगे ना, अभी बस एक इंट्रोडक्शन लेक्चर चल रहा है, राइट। अच्छा, तो कोवलेंट बॉन्ड वैसे इतना तो बता सकते हैं कि जो कोवलेंट बॉन्ड है वो किनके किनके बीच में होता है, जब एक नॉन मेटल और एक नॉन मेटल आपस में इंटरैक्ट कर रहे होते हैं। कब? जब एक नॉन मेटल एटम दूसरे नॉन मेटल एटम के साथ कनेक्ट होता है, आपस में जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके होती है, जो दो नॉन मेटल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसको हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। मतलब नॉन मेटल्स जनरली कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ठीक बात है। एक नॉन मेटल जब दूसरे नॉन मेटल के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कर रहा होता है तो उसको हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। अच्छा, आयनिक बॉन्ड कब बनता है? जब एक नॉन मेटल एक मेटल से कनेक्ट होता है, इंटरैक्ट करता है, जैसे कि आपका NaCl आपने देखा था ना, NaCl
तो NaCl में क्या, देखो सोडियम आपका कहां आता है, S ब्लॉक में। तो आपको पता है कि S ब्लॉक आपके मेटल्स होते हैं, सब हम देख चुके हैं पहले तीन चैप्टर्स में, इतना आपको पता है। तो S ब्लॉक आपका मेटल्स होते हैं, मेटालिक रिएक्टर हम थर्ड चैप्टर में ही देख चुके हैं। और A आपका क्लोरीन आपका P ब्लॉक में आता है, तो ये नॉन मेटल है। तो ये मेटल था आपका, ये नॉन मेटल था। तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसको हम बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड, उसको हम बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। ठीक बात है। मेटालिक बॉन्ड कब बनता है, जब एक मेटल दूसरे मेटल से इंटरैक्ट कर रहा हो, एक मेटल जब दूसरे मेटल से इंटरैक्ट कर रहा हो तो आपका मेटालिक बॉन्ड बनता है। ठीक है। तो कोवलेंट बॉन्ड आपका कब बनता है, जब नॉन मेटल से के साथ इंटरैक्ट कर रहा हो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब दो नॉन मेटल्स के बीच में हो। आयनिक बॉन्ड जब नॉन मेटल मेटल के साथ, और मेटालिक बॉन्ड जब मेटल मेटल के साथ इंटरैक्ट कर रहा हो। ठीक बात है। अच्छा चलो आगे बात करें वीक बॉन्ड्स की। ठीक है। तो वीक बॉन्ड्स को भी हम फर्दर दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। वीक बॉन्ड आपका होता है, पहला तो आपका है हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। और दूसरा होता है पहली बात हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड हम कहां देखेंगे, लगभग जब हमारे चैप्टर का अंत आ रहा होगा, मतलब इसको लगभग हम 15वें 16वें लेक्चर में कहीं देखेंगे। ठीक है। अभी बस हम इंट्रो दे रहे हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड एक वीक बॉन्ड्स में एक टाइप होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसको हम देखेंगे आगे जाके। ठीक है। और एक होता है आपका, इधर आपके वीक फोर्सेज आती हैं सारी, इधर आपकी वीक फोर्सेज आती हैं बाकी जो बची हुई हैं, जैसे कि अगर मैं वीक फोर्सेज, आप वीक फोर्सेज भी लिख सकते थे इधर, और आप चाहो तो इधर वंडर वॉल फोर्सेस लिख लो, वंडर वॉल फोर्सेस। ठीक है। इस वंडर वॉल फोर्सेस के अंदर ही आपके तीन पार्ट्स हैं वंडर वॉल फोर्स। ठीक है। एक पहला वीक बॉन्ड आपके दो पार्ट्स में हम क्लासिफाई कर सकते हैं, एक हाइड्रोजन बॉन्ड और एक वंडर वॉल फोर्सेस। और वंडर वॉल फोर्सेस आपकी तीन टाइप्स की होती हैं, एक होता है डाइपल डाइपल, एक होता है डाइपल डाइपल इंटरैक्शन। ठीक है। एक डाइपल डाइपल इंटरैक्शन, दूसरा होता है डाइपल इंड्यूस डाइपल, डाइपल इंड्यूस डाइपल, और तीसरा होता है लंडन फोर्सेस, तीसरा होता है लंडन फोर्सेस। इन तीनों फोर्सेस को कलेक्टिवली हम वंडर वॉल फोर्सेस बोलते हैं, डाइपल डाइपल इंटरैक्शन, डाइपल इंड्यूस डाइपल इंटरैक्शन और लंडन फोर्सेस। इन तीनों को कलेक्टिवली हम वंडर वॉल फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बोलते हैं। अभी आपको मैं फिर बोल रहा हूं कि इनको आपको, इस पे आपको डरना नहीं है कि क्या होता है डाइपल डाइपल इंटरैक्शन, अरे अभी मैंने बताया ही नहीं तो पता कैसे होगा आपको। ठीक है। अभी जस्ट हम एक इंट्रो देख रहे हैं कि हाँ आपको पता हो कि इतने टाइप के बॉन्ड होते हैं, बस आपको इतना पता होना चाहिए और कुछ नहीं। ठीक बात है। जब चैप्टर का अंत होगा इन सबके बारे में आपको खोल के पता होगा सब कुछ कि अच्छा इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है। ठीक है। एक सीक्वेंस में चीजें डिस्कस हो सकती है ना। ठीक है। तो ये आपकी बॉन्ड्स की यार टाइप होता है। बॉन्ड आपका दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड वीक बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फर्दर तीन पार्ट में डिवाइड हो जाता है, कोवलेंट बॉन्ड आयनिक बॉन्ड मेटालिक बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड तब बनता है जब नॉन मेटल के साथ कंबाइन हो, आयनिक जब नॉन मेटल मेटल के साथ, मेटालिक जब मेटल मेटल के साथ। ठीक है। आपका कोवलेंट बॉन्ड फर्दर दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, सिंपल कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सिंपल कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड आपका सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में फर्दर क्लासिफाई हो जाता है। ठीक बात है। आगे बात करें वीक बॉन्ड की। ठीक है। तो वीक बॉन्ड आपका दो पार्ट में होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड और वंडर वॉल फोर्सेस। वंडर वॉल फोर्सेस आपके तीन, वंडर वॉल फोर्सेस के अंदर तीन फोर्सेस आती हैं, एक है डाइपल डाइपल इंटरैक्शन, दूसरा डाइपल इंड्यूस्ड डाइपल और तीसरा है लंडन फोर्सेस। तो ये आपका पूरा यार बॉन्ड की क्लासिफिकेशन है कि इतने टाइप्स के बॉन्ड होते हैं। ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन किस तरह की स्पीसीज आपस में इंटरैक्ट कर रही हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका बॉन्ड बन जाता है। अगर दो मेटल्स आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं तो मेटालिक बॉन्ड बन जाता है, एक नॉन मेटल है एक मेटल है तो आपका आयनिक बॉन्ड बन जाता है, दोनों नॉन मेटल है तो आपका कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है। और इसके बारे में भी बात करेंगे, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड आपका कब बनता है, जब हाइड्रोजन आपका इंटरैक्ट कर रहा हो फ्लोरिन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से, जब आपका हाइड्रोजन इंटरैक्ट कर रहा हो फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से, और भी क्लोरीन से भी कभी कभी कर जाता है वो हम देखेंगे उधर, तब जब आपका बॉन्ड बनता है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना। जब हाइड्रोजन आपका फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से इंटरैक्ट करे तब आपका जो बॉन्ड बनता है उसको हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं, और इसको भी हम देखेंगे वंडर वॉल फोर्सेस क्या होती है अपने आगे वाले लेक्चर्स में।
ठीक है। तो ये आपके टाइप्स ऑफ बॉन्ड है, फ्लो चार्ट आप एक बना के रख लो, और इस आपको ये पता होना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है और वीक बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी कम होती है। मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को अगर आपको तोड़ना है तो आपको ज्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी एज कंपेयर टू अगर वीक बॉन्ड को तोड़ना है। मतलब अगर कोवलेंट बॉन्ड को, आयनिक बॉन्ड को, या मेटेलिक बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड को आपको तोड़ना है तो आपको ज्यादा एनर्जी लगती है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन बॉन्ड या वंडर वॉल फोर्स इन सबके कंपेरेटिवली। ठीक बात है, चले आगे। चलो लिख लो भाई इसको, फ्लो चार्ट बना लो, इसको बना लो। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ बॉन्ड। आगे बात करते हैं कोज ऑफ बॉन्डिंग, सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है इस लेक्चर का। पहला जो कंसेप्ट आप सीखने जा रहे हो, कोज ऑफ बॉन्डिंग। ठीक है, पहले हम देखा बॉन्ड क्यों बनता है, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। अब हम देखेंगे कि स्टेबिलिटी गेन होती कैसे है एक्चुअल में। ठीक है, वो स्टेबिलिटी आपकी गेन होती कैसे है उसके बारे में देखते हैं। चलो तुम जो पकड़ लो हाथ में दुनिया बदल सकता हूं मैं। चलो अब बात करते हैं कोज ऑफ बॉन्डिंग। हेडिंग डालो, सब हेडिंग, सब हेडिंग है आपकी कोज ऑफ बॉन्डिंग। बस यही आपका आज, आज की लास्ट सब हेडिंग आपकी यही है, इसी को आज हमें डिस्कस करना है लास्ट में। इसके बाद लेक्चर आज का खत्म हो जाएगा। कोज ऑफ बॉन्डिंग की बात करते हैं कि बॉन्ड बना, ये बॉन्डिंग जो हो रही है, बॉन्ड जो आपस में बन रहे हैं, बन क्यों रहे हैं। ठीक है, इसके पीछे का रीजन क्या है। वैसे आपको रीजन पता लग गया कि स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। अब वो स्टेबिलिटी कैसे गेन होती है उसको समझेंगे। ठीक बात है। अच्छा देखो, पहले कोज ऑफ बॉन्डिंग, क्यों बॉन्डिंग होती है, पहली चीज इसके इसके लिए होती है टेंडेंसी, टेंडेंसी टू अचीव, या अक्वायर लिख लो, टेंडेंसी टू अक्वायर मिनिमम मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। सेकंड, अभी समझाता हूं ना, लिखवाने थोड़ा आया हूं, इधर समझाने आया हूं। तो पहले लिख हल्का सा, लेकिन चेप लो कि लगे कि कुछ लिख के गए हो, है ना, नहीं तो बाद में नोट्स देखोगे कुछ लिखा ही नहीं है। चलो, टेंडेंसी टू अचीव, टेंडेंसी टू अचीव नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन, नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन। इधर आप चाहो तो ब्रैकेट में लिख लो ऑक्टेट रूल, ब्रैकेट में लिख लो ऑक्टेट रूल। देखो, कोज ऑफ बॉन्डिंग, बॉन्डिंग क्यों होती है दो एटम्स या दो स्पीसीज के बीच में। पहली चीज कि मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी एक्वायर हो जाए। देखो, मैंने आपको एक किसी लेक्चर में बताया था, अगर आपने पहले तीन चैप्टर में से देखे हैं, और नहीं भी देखे हैं तो मैं अभी बता देता हूं। देखो, हमेशा याद रखना केमिस्ट्री का एक थंब रूल है कि जहां एनर्जी कम उधर स्टेबिलिटी ज्यादा। क्या? जहां एनर्जी कम उधर स्टेबिलिटी ज्यादा, एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। केमिस्ट्री की दुनिया में इस एक थंब रूल को याद रखना, बहुत काम आएगा हर जगह। जहां एनर्जी कम उधर स्टेबिलिटी ज्यादा, एक लेक्चर में आपको मैंने बताया भी हुआ है, अगर आपने पहले सीक्वेंस में अगर आप देखते आ रहे हो, और नहीं भी देखते आ रहे हो तो मैंने अब बता दिया है। ठीक है, कि एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी के। ठीक बात है। अच्छा, जहां मतलब एनर्जी कम होगी उधर स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, केमिस्ट्री के लैंग्वेज में। ठीक बात है। अच्छा, तो पहला काम क्या होता है, बॉन्ड इसलिए बनते हैं, आपस में बॉन्डिंग इसलिए होती है कि मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी एक्वायर हो जाए। और जब बॉन्डिंग होने से अगर पोटेंशियल एनर्जी आपकी मिनिमम हो जा रही है, अभी हम देखेंगे कैसे मिनिमम हो रही है, तो अगर बॉन्डिंग होने से आपकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जा रही है तो स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। और स्टेबल हर एक चीज चाहती है कि मैं स्टेबल हो जाऊं, तो हर एक चीज चाहती है मैं स्टेबल हो जाऊं, इसलिए वो बॉन्ड बना लेती है कि मैं स्टेबल होना चाहता हूं, या मैं स्टेबल होना चाहती हूं, जो भी एटम का जेंडर हो, तो स्टेबल होना वो चाहता है या चाहती है, तो इसलिए वो बॉन्ड बनाते हैं। और बॉन्ड बना के उनकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाती है, और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाती है तो स्टेबिलिटी आपकी ज्यादा हो जाती है।
ठीक है, तो इसको आप चाहो तो भी बोल सकते हो कि इसके अकॉर्डिंग आप थर्ड पॉइंट भी बना सकते हो, वैसे तो इससे ही आया है पॉइंट, ठीक है। फॉर मैक्सिमम स्टेबिलिटी, बॉन्ड बनाने का रीजन क्या है, कॉज ऑफ बॉन्डिंग का आप थर्ड पॉइंट ये भी लिख सकते हो, फॉर मैक्सिमम स्टेबिलिटी, है ना। आया तो वैसे फर्स्ट पॉइंट से ही है वो, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट से वही मीनिंग निकलता है, लेकिन आप ये भी लिख सकते हो, चाहो तो ये भी लिख सकते हो एक और, मिनिमम फॉर मिनिमम रिएक्टिविटी, फॉर मिनिमम रिएक्टिविटी। देखो जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी उसकी रिएक्टिविटी कम होगी ना यार। अरे जो स्टेबल ज़्यादा है, जो ज़्यादा स्टेबल है तो दूसरे से रिएक्ट करेगा ही नहीं। जैसे पानी की बात करें, पानी की बोतल है, तो पानी की बोतल आपके अगर उसको आप जितना मर्जी हाथ मारो, है ना, पानी को हर तरफ से हाथ मारो, पानी की बोतल है उसमें आप हाथ मारो तो पानी को कुछ फर्क नहीं पड़ता, पानी स्टेबल है, आपस में काम है। लेकिन आप एक कोई भी कोल्ड ड्रिंक ले लो, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक की कोई भी बोतल ले लो, उस पर अगर आप हाथ मारो और उसके बाद उसको खोल दो ढक्कन को, तो फुवारा बन के उड़ जाता है, तो अनस्टेबल है वो अनस्टेबल है, राइट। जस्ट एग्जांपल के वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी उसकी रिएक्टिविटी कम होगी, क्योंकि वो स्टेबल अच्छा है तो रिएक्ट नहीं करेगा किसी से, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो चार चीज़ें बोल सकते हो, और दूसरी चीज़ जो है, पहली चीज़ तो है कि मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी एक्वायर हो जाती है जब बॉन्ड बनते हैं, तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाती है, अभी आगे हम देखेंगे क्यों मिनिमम हो जाती है। और दूसरी, टेंडेंसी टू एक्वायर अचीव नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, है जिसको ऑक्टेट रूल बोलते हैं। तो ये दो रीज़न है, अभी इन दोनों को ही हम डिटेल में देखेंगे, इन दोनों को ही हम डिटेल में देखते हैं कि क्या चीज़ें होती हैं। चलो ठीक है, तो पहले कोज ऑफ बॉन्डिंग के चार रीजन आप लिख सकते हो, वैसे तो ये दो रीजन है, इस पॉइंट से आपके दो रीजन और आप बना सकते हो अगर आपको ज़्यादा ही लेंथी नोट्स बनाने हैं, ठीक है। वैसे इससे ही आपको समझ आ रहा है कि ये चीज़ हो रही है, और स्टेबिलिटी ज़्यादा तो रिएक्टिविटी कम, ठीक बात है। अच्छा चले, चलो बात करते हैं टेंडेंसी टू अक्वायर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी वाले पॉइंट को, थोड़ा डिस्कस करते हैं, थोड़ा डिटेल में, थोड़ा डेप्थ में जाके देखते हैं ना, ऐसे मज़ा नहीं आएगा। चलो तो बात करते हैं, पहले सबसे पहले हम देखते हैं जो पहला पॉइंट है उसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ, है ना। पहले पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए हम यूज़ करते हैं एक आपका कर्व होता है जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी कर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी कर्व। हम पहले पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कैसे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाती है जब बॉन्ड बनने लगता है, उसको देख रहे हैं, ठीक बात है। अच्छा तो देखो यार, एक कर्व होता है, एक क्या होता है, एक कर्व होता है, एक कर्व कुछ ऐसा बनता है, ऐसा करके, ठीक है, एक ऐसा कर्व बनता है, इधर आपकी पोटेंशियल एनर्जी होती है, है ना, और इधर आपका क्या होता है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, मतलब आर होता है, दो एटम्स के बीच में जो डिस्टेंस है, दो एटम के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते थे इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। इधर आपकी पोटेंशियल एनर्जी, इधर आपका आर है, इधर चाहो तो लिख लो आप इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, कि दो एटम के न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस कितना है, उसको हमने एक्स एक्सिस में प्लॉट किया, पोटेंशियल एनर्जी को वाई एक्सिस में प्लॉट किया। तो एक ऐसा कर्व होता है, देखो अब होता क्या है कि मान लो आपका एक एटम है, ये आपका दूसरा एटम है, ये पहले एटम का न्यूक्लियस है, है ना, ये मान लो, चलो NUC लिखते हैं, ये पहले एटम का न्यूक्लियस है, ये दूसरे एटम का न्यूक्लियस है, ठीक है, ये पहले एटम का न्यूक्लियस, ये दूसरे एटम का न्यूक्लियस, लेट्स से इसको हम मान लेते हैं NA, है ना, ये पहला एटम है मान लेते हैं NA, ये दूसरा एटम है मान लेते हैं NB, ये पहला एटम है A, ये दूसरा एटम है B, ठीक है, इसके न्यूक्लियस को मैंने डोनेट कर दिया NA से और इसके न्यूक्लियस को डोनेट कर दिया NB से। अच्छा अब इस एटम के पास कुछ इलेक्ट्रॉन भी होंगे, लेट्स से इसके इलेक्ट्रॉन को मैं EA से डोनेट कर रहा हूँ और इसके इलेक्ट्रॉन को मैं लेट्स से EB से डोनेट कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी मैंने क्या किया, बस दो एटम लिए, एक एटम ए एक एटम बी, इसके न्यूक्लियस को NA बोल दिया, इसके इलेक्ट्रॉन को EA, इसके न्यूक्लियस को NB और इसके इलेक्ट्रॉन को EB, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा तो अब देखो इनमें, जब ए एटम अभी मान लो पहले बहुत दूर दूर थे, ये दोनों आपको आपस में देख नहीं रहे हैं, तो अभी तो इसकी इसके साथ कोई इंटरेक्शन नहीं है, अभी मान लो एटम बहुत दूर दूर है, तो अभी तो इसकी इसके साथ कोई इंटरेक्शन नहीं है। जब मैंने हटाया,
तब अब आपस में इंटरेक्ट करेंगे, मतलब कुछ फोर्सेस आएंगी। अब देखो कौन कौन सी फोर्सेस आ रही हैं, इसको समझो। देखो पहली फोर्स तो यह है कि इस न्यूक्लियस की न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्शन जो है, देखो न्यूक्लियस पे क्या होता है, प्रोटॉन्स होते हैं, तो इस न्यूक्लियस पे भी पॉजिटिव चार्ज है, इस न्यूक्लियस पे भी पॉजिटिव चार्ज है, ठीक बात है। तो आप पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, है ना, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज आपस में रिपेल करेंगे। इसके इलेक्ट्रॉन की इसके इलेक्ट्रॉन के साथ जो इंटरेक्शन है वो भी एक इंटरेक्शन होगी कि इसका इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल इच अदर, है ना, नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं, सेम चार्ज इज रिपेल इच अदर, ऑपोजिट चार्ज इंटरैक्ट अट्रैक्ट इच अदर, ये तो आपको पता ही है, 9th, 6th, 7th क्लास की बातें। अच्छा ये आपको पता है। अब ये भी देखें लेकिन एक चीज है कि इसका न्यूक्लियस, पहले का न्यूक्लियस इसके दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा। इसके न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज है, इधर आपके इलेक्ट्रॉन्स है जिस पर नेगेटिव चार्ज है, तो इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को भी तो अट्रैक्ट करेगा, ठीक बात है। अच्छा एट द सेम टाइम इसका न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस आपका, कुछ बैकग्राउंड नॉइस अगर आ रही हो तो उसको इग्नोर करना, हॉस्टल में मैं हूँ, ठीक है, तो बॉयज़ हॉस्टल का आपको हाल पता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं ए, भी आपकी एक अट्रैक्शन है, है ना, कि इसकी न्यूक्लियस के साथ, इसकी न्यूक्लियस की इसके इलेक्ट्रॉन के साथ अट्रैक्शन। तो आप क्लियरली ये समझ रहे हो कि आपकी कुछ नवी फोर्सेज आ रही हैं, न्यू फोर्सेज, जब ये दो आपस में, जब ये दो एटम्स आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं तो आपकी अलग अलग तरह की नवी फोर्सेज जनरेट हो रही हैं। पहली फोर्स कौन सी, कि इस न्यूक्लियस की पहले के न्यूक्लियस के दूसरे न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन, ठीक है, और अट्रैक्शन नहीं इंटरैक्शन, तो इस न्यूक्लियस की इस न्यूक्लियस के साथ जो इंटरैक्शन है वो बताओ अट्रैक्टिव फोर्स होगी कि रिपल्सिव फोर्स होगी। इस न्यूक्लियस पे भी पॉजिटिव चार्ज है, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है, तो दो सेम चार्ज आपस में रिपेल करेंगे, तो ये जो पहली फोर्स होगी ये रिपल्शन फोर्स होगी, ठीक बात है। इसके न्यूक्लियस की इसके न्यूक्लियस के साथ जो फोर्स इंटरैक्शन होगी वो आपकी रिपल्शन फोर्स होगी, है ना, इनके बीच में रिपल्शन फोर्स होगी, ठीक बात है। और किसके किसके बीच में रिपल्शन फोर्स होगी, इसके इलेक्ट्रॉन किसके इलेक्ट्रॉन के साथ, क्योंकि सेम चार्ज रिपेल इच अदर, तो ये भी आपकी रिपल्शन फोर्स होगी। लेकिन अगर मैं इसके न्यूक्लियस की दूसरे के इलेक्ट्रॉन के साथ देखूं तो ये अट्रैक्शन फोर्स होगी कि नहीं, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट इच अदर, ऑपोजिट अट्रैक्ट इच अदर, जाई मैं बात करूं चार्ज की, जाई बात करूं जेंडर की, ठीक है। चलो तो आगे, इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो अट्रैक्शन फोर्स। तो देखो आपको क्लियरली समझ आ रहा है कि कुछ आप जब आपस में दो, जब दो एटम आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं, जब ये दरवाजा हटा बीच में, बीच में से दरवाजा हटा, तो ये आपके दो एटम्स आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं और कुछ नवी फोर्सेस का जन्म हो रहा है। जैसे इसका न्यूक्लियस इसके न्यूक्लियस के साथ रिपल्शन करेगा, इसका इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन के साथ रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन के साथ अट्रैक्टिव फोर्स, और इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन के साथ अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा। तो आपकी कुछ नवी फोर्सेस जनरेट हो रही हैं, ठीक बात है। अच्छा अब देखो, अब इधर अभी देखो अब क्या है, अभी इस ग्राफ को हम समझना शुरू करते हैं। अभी आप इतना समझ गए कि जब दो एटम आपस में इंटरैक्ट करना शुरू करते हैं तो कुछ नवी फोर्सेस का जन्म होता है, ठीक है। ये हमने चार तरह की नवी फोर्सेस देख ली कि जब दो एटम आपस में इंटरैक्ट करते हैं कुछ नवी फोर्सेस प्ले में आती हैं, वो आपको पता लग गया, जिसमें से कुछ रिपल्सिव होती हैं कुछ अट्रैक्टिव होती हैं। तो अभी मान लेते हैं कि ये दो एटम थे, दो एटम थे, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है इस तरफ, मतलब डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। अभी मान लो दो एटम के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है, अभी क्या है दो एटम के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है, और जैसे जैसे हम इस तरफ आ रहे हैं तो डिस्टेंस का आपका कम हो रहा है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस इस साइड में कम हो रहा है ना, तो जैसे जैसे हम इस तरफ आएंगे आपका दो एटम्स के बीच में इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कम हो रहा है, बात ठीक है। अच्छा तो पहले मान लो दो एटम थे, एक एटम ए रहा एक एटम ए रहा, अब जब ये दो एटम क्लोज आएंगे, ये जब दो एटम क्लोज आएंगे, पहले मान लो ये थे, है ना, अब मान लो ये क्लोज आए, ठीक है, पहले दो, अब जैसे हम क्या कर रहे हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस इस साइड कम हो रहा है, तो अब जब हम इस साइड आ रहे हैं तो आपका इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस एटम के बीच में कम हो रहा है। तो जब यार देखो दो एटम्स जब आपके क्लोज आते हैं ना, जब दो एटम आपस में क्लोज आते हैं तो वो एनर्जी को रिलीज करते हैं, क्या करते हैं एनर्जी को रिलीज करते हैं, मतलब जो बॉन्ड फॉर्मेशन का प्रोसेस है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, जो आपका बॉन्ड फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है, बॉन्ड फॉर्मेशन जो बॉन्ड बनने वाला प्रोसेस है, कि जब दो एटम्स एक दूसरे के क्लोज आ रहे हों तो बॉन्ड फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है वो आपका क्या होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, एक्सोथर्मिक मतलब
जब दो एटम एक दूसरे के क्लोज आते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, तब एनर्जी आपकी रिलीज होती है, मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। बात क्लियर है? अच्छा, तो जब अभी क्या हुआ, अपनी स्टोरी में अभी क्या चला कि दो एटम पहले थे, अब एक क्लोज आना शुरू किया, मतलब इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कम हुआ, मतलब जैसे जैसे इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी वैसे वैसे आपका इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कम होगा। अरे यार, जब पहले इतनी दूर थे, अब इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो गई तो एक क्लोज आ गए, तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हुई तो एक क्लोज आए, मतलब इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कम हुआ। और आप देख रहे हो जैसे जैसे इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कम हो रहा है वैसे वैसे आपकी पोटेंशियल एनर्जी कम होते जा रही है। देख रहे हो आप कि जैसे जैसे हम इस साइड आ रहे हैं आपकी पोटेंशियल एनर्जी नीचे जाती जा रही है। ठीक बात है, तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी कम होते जा रही है। तो अभी पूरी स्टोरी में अभी तक क्या हुआ कि दो एटम थे, जैसे जैसे हम जैसे जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे आपका इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कम हो रहा है, और जैसे जैसे इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कम हो रहा है, मतलब जब हम इधर से इस साइड में आ रहे हैं तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी कम होते जा रही है, और पोटेंशियल एनर्जी जितनी कम होगी उतना क्या होगा, उतना ही आपकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। ठीक बात है। अच्छा, अब इस पॉइंट पर देखो, इस पॉइंट पे आपकी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। बोलो भाई, इस केस में इस पॉइंट पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। ठीक है। अच्छा, आप ये भी सोच सकते हो कि इस स्टेज पे आपकी अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है रिपल्शन फोर्स से, क्योंकि आपकी देखो जब दो एटम क्लोज आ रहे हैं तो दो एटम जब क्लोज आएंगे तो न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच में रिपल्शन भी इंक्रीज होगी। ठीक है, न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच में जैसे जैसे दो एटम्स आपस में क्लोज आएंगे वैसे वैसे इन दो न्यूक्लियस के बीच में रिपल्शन भी इंक्रीज होगी, इस दो इलेक्ट्रॉन के बीच में भी रिपल्शन इंक्रीज होगी, लेकिन एट द सेम टाइम इस न्यूक्लियस की इस इलेक्ट्रॉन के साथ अट्रैक्शन भी इंक्रीज होगी और इस न्यूक्लियस की इस इलेक्ट्रॉन के साथ अट्रैक्शन भी इंक्रीज होगी। तो मतलब रिपल्शन भी इंक्रीज हो रही है और अट्रैक्शन भी इंक्रीज हो रही है। लेकिन क्या होता है, अभी कुछ टाइम तक आपकी अट्रैक्शन फोर्स प्रीडोमिनेंट होती है रिपल्सिव फोर्स से, मतलब इधर अट्रैक्टिव, मतलब जब आप दो एटम आपस में क्लोज आ रहे होते हैं तो अट्रैक्शन फोर्स की वैल्यू ज्यादा होती है रिपल्शन फोर्स के कंपैरेटिवली। अट्रैक्शन फोर्स की वैल्यू ज्यादा होती है रिपल्शन फोर्स के कंपैरेटिवली, हालांकि रिपल्सिव फोर्स भी है इसमें, जो हम देख चुके हैं जैसे जैसे क्लोज आएंगे रिपल्सिव फोर्स इंक्रीज होगी, लेकिन जब अट्रैक्शन फोर्स में जो इंक्रीमेंट होगा वो ज्यादा होगा रिपल्सिव फोर्स के इंक्रीमेंट से, मतलब अट्रैक्शन फोर्स इधर ज्यादा होगी रिपल्सिव फोर्स के कंपैरेटिवली, इसलिए तो एटम क्लोज आ रहे हैं। समझना है तो चाहो तो ऐसे भी समझ सकते हो कि दो एटम तभी तो क्लोज आ रहे हैं क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा, जैसे जैसे दो एटम क्लोज आ रहे हैं वैसे वैसे अट्रैक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा बढ़ रहा है एज कंपेयर टू रिपल्सिव फोर्स, इसलिए तो दो एटम क्लोज आ पा रहे हैं, इसलिए तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कम हो पा रहा है। ठीक बात है। अच्छा, अब इस पॉइंट पे आप देख रहे हो कि इस पॉइंट पे आपका पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, तो एक्चुअल में क्या होता है, इस पॉइंट पे ए जो पॉइंट है जहां पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, इस पॉइंट पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, ए पॉइंट है ना जहां पोटेंशियल एनर्जी आपकी मिनिमम है, इस नीचे तो कोई भी पॉइंट नहीं है, उसके बाद तो फिर बढ़ने लग गई पोटेंशियल एनर्जी, अभी हम देखेंगे क्यों बढ़ रही है। अच्छा, तो ओ पॉइंट जहां आपकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो उस कंडीशन में आपका क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स आपकी रिपल्सिव फोर्स के बराबर हो जाती है, अट्रैक्शन फोर्स आपकी रिपल्सिव फोर्स के बराबर हो जाती है। और उसके फिर आगे जाओ, इस पॉइंट के अगर आगे आप जाओगे, इस पॉइंट के आगे मतलब अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं या इस पॉइंट की बात करूं तो इधर आपका अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाती है रिपल्शन फोर्स से। तो देखो अभी तक पूरी स्टोरी में क्या हुआ, फिर से समझो, अभी कुछ चीजें माइंड में क्लियरेंस नहीं होगी, थोड़ा डाउट होगा, समझो, समझ आएगा, बहुत कुछ भी नहीं है, एक बार अभी दो मिनट और समझाऊंगा तो सब खत्म हो जाएगा। देखो, सबसे पहले दो एटम थे, जैसे जैसे दो एटम आपस में इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगी वैसे वैसे आपका इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कम होगा। ठीक है, क्योंकि जब एटम क्लोज आने लगते हैं तो अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होती है रिपल्सिव फोर्स के कंपैरेटिवली, तो जैसे जैसे दो न्यूक्लियस आपस में क्लोज आएंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट ज्यादा करेंगे, और अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो इंटर न्यूक्लियस डिस्टेंस कम होगा, और इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कम हो रहा है तो जैसे जैसे इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कम हो रहा है वैसे वैसे आपकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, वैसे वैसे आपकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है। अब एटम और क्लोज आते गए, मान लो इस पॉइंट पे आए और इधर एटम इतने क्लोज आ गए और इस पॉइंट पे आपका ए इतनी एनर्जी थी, इस पॉइंट पे मतलब जब एटम आपके क्लोज आते गए तो इस पॉइंट पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो गई, मतलब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कब होती है, जब आपके अट्रैक्शन फोर्स रिपल्सिव फोर्स के बराबर हो जाए, जब दो फोर्स एक दूसरे को इक्वलाइज कर देना, इक्विलिब्रियम कंडीशन जिसको हम, मैं आपको जब अगर मैं कभी फिजिक्स कराऊंगा आपको तो उधर मैं आपको जब वर्क एनर्जी
पावर वाला जो चैप्टर है वो कराऊंगा, जब आपका 11th क्लास का 4th चैप्टर है, तो उधर मैं बताऊंगा आपको कि इक्विलिब्रियम कंडीशंस होती हैं जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाए, उधर देखेंगे हम, ठीक है। अलग अलग टाइप के वर्क डन देखेंगे, तो उधर हम डिस्कस करेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, इन सबको हम डिस्कस करेंगे उधर। फिलहाल इस जिस पॉइंट पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो उस केस में आपकी इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है, मतलब अट्रैक्शन फोर्स रिपल्सिव फोर्स के बराबर हो जाती है। तो ए पॉइंट मतलब इस केस में एटम अब और क्लोज आ गए हैं, पहले इतने थे अब और क्लोज आ गए, इस केस में और क्लोज आ गए, तो इस केस में आपकी अट्रैक्शन फोर्स रिपल्सिव फोर्स के बराबर होगी और पोटेंशियल एनर्जी आपकी मिनिमम हो गई, ठीक बात है। अच्छा, तो इस कंडीशन पे, इस पॉइंट पे जो ए आपकी एनर्जी है ना यार, ये जो आपकी एनर्जी है इसी को हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी, क्योंकि इसी पॉइंट पे आपका बॉन्ड बना, बॉन्ड फॉर्म। बॉन्ड कहां बनता है? जहां पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो। तो मतलब जो ए पॉइंट है, ए बता रहा है कि इस पॉइंट पे ही आपका बॉन्ड आके बनता है, इस पॉइंट पे ही आके आपका बॉन्ड बनता है। पहली बात क्लियर है, जहां भी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी उधर ही आके बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे ही आके बॉन्ड फॉर्म्ड होता है, अभी बॉन्ड बनना शुरू हुआ, बॉन्ड की फॉर्मेशन शुरू हुई, क्लोज आना शुरू हुए, और इस जगह पे जहां पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाए इधर आके आपका बॉन्ड अच्छी तरह बन जाता है, इधर बॉन्ड फॉर्मेशन का पूरा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो इधर आके आपका बॉन्ड फॉर्म्ड हो जाता है जहां पोटेंशियल एनर्जी आपकी मिनिमम हो जाए। अच्छा, अब उसके अगर आगे आप आओ तो अब देखो, अब इसका न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस था, इसका न्यूक्लियस था, इसका न्यूक्लियस था, इसका न्यूक्लियस था। अब अगर आप और इनके बीच में, इनको बीच में और क्लोज लेके आओ तो अब इनका न्यूक्लियस आपस में रिपल्शन बहुत ज्यादा देंगे, तो इसके आगे आपकी रिपल्सिव फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स से ज्यादा हो जाती है, क्योंकि अब इनके बीच में बॉन्ड बन गया है। अब आप जबरदस्ती और इनको क्लोज ले आने की कोशिश करोगे तो इसका न्यूक्लियस एक दूसरे से आपका क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। इसका न्यूक्लियस जब दो पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा क्लोज आएंगे तो रिपल्शन इंक्रीज हो जाएगी। तो जब एक बार बॉन्ड बन गया, अब उसके बाद भी अगर आप इनको जबरदस्ती क्लोज ले आने की कोशिश करोगे तो उस केस में आपकी रिपल्सिव फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स से ज्यादा हो जाएगी। अब अगर आपकी रिपल्सिव फोर्स ज्यादा होने लगी तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने लगी, देख रहे हो। इस पहले आपके क्या हो रहा है, जैसे जैसे आपके अट्रैक्शन फोर्स बढ़ रही है वैसे वैसे ही आपके क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, क्योंकि अट्रैक्शन बढ़ रही है तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है। अब इस पॉइंट पे आने के बाद आपकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो गई उसके बाद भी अगर आप जबरदस्ती इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इंक्रीज करोगे तो आपकी रिपल्सिव फोर्स ज्यादा हो जाएगी अट्रैक्टिव फोर्स से और आपकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होने लग जाएगी, फिर आपकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होने लग जाएगी। तो पूरी ये जो कहानी थी, जो भी हमने अभी कहानी पढ़ी है चंता बंता की, तो इस पूरी कहानी में आपको बस इतना भी ये समझ आया है कि दो एटम पहले थे ठीक है, उनके बीच में अभी एक दूरी पे रखे हुए थे, अब धीरे धीरे उनमें अट्रैक्शन होना इंक्रीज हुआ। अब जैसे जैसे अट्रैक्शन इंक्रीज होते गई वैसे वैसे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस आपका कम होता गया, और जैसे जैसे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम होता गया वैसे वैसे आपकी पोटेंशियल एनर्जी भी कम होते गई, ठीक है, वैसे वैसे भी आपकी पोटेंशियल एनर्जी भी कम होते गई। तो आपका पोटेंशियल एनर्जी कम होते जा रही है, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां आपकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाएगी और उस पॉइंट पे आपके अट्रैक्शन फोर्स रिपल्सिव फोर्स के बराबर हो जाती है attaining of equilibrium, क्योंकि इस point पे equilibrium attain हो जाता है और जिस point पे equilibrium attain होता है उसी को बोलते हैं potential energy minimum allow point होता है। तो आपका जैसे-जैसे internuclear distance कम हो रहा है वैसे-वैसे आपकी potential energy कम होते जा रही थी और वो point जहां आपकी potential energy minimum हो उस केस में आपका attraction force repulsion force के बराबर होता है और इसी point पे आपका bond formation का process complete हो जाता है, ठीक है। आपके एटम क्लोज आ रहे थे, जिस पॉइंट पे आपके पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाए उस पॉइंट पे आपका बॉन्ड बन जाता है, उस पॉइंट पे आपका बॉन्ड फॉर्मेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो इस पॉइंट पे आके बॉन्ड आपका बन गया। अब उसके बॉन्ड बनने के बाद भी अगर आप जबरदस्ती एक दूसरे को और क्लोज लेके आने की कोशिश करोगे, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम करने की कोशिश करोगे, तो अब रिपल्शन फोर्स ज्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि दो न्यूक्लियस अब एक दूसरे के जितना और क्लोज आएंगे तो रिपल्सिव फोर्स ज्यादा हो जाएगी। अब आपने अच्छी खासी बॉन्डिंग हो गई है, अब आप दो न्यूक्लियस को और क्लोज ले आओगे तो दो न्यूक्लियस तो आपस में रिपेल ही करेंगे, तो आपकी आगे अगर इसके आगे आप जाओगे तो आपकी रिपल्सिव फोर्स ज्यादा हो जाती है अट्रैक्टिव फोर्स से और उस केस में आपकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होने लग जाती है, अच्छा इस पॉइंट पे आपका बॉन्ड बना है, तो इस पॉइंट के जो कोरोस्पोंडिंग आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है उसी को हम बॉन्ड एनर्जी बोलेंगे। इस पॉइंट पे आपका बॉन्ड बन गया है,
अब बॉन्ड आपका बन गया है, ठीक है, अब बॉन्ड बन गया है। तो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए अब जितने एनर्जी का वो बॉन्ड होगा, अगर इस बॉन्ड को आपको तोड़ना है तो आपको उतनी ही एनर्जी देनी होगी इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए। तो इस पॉइंट पे आपका बॉन्ड बन गया है, तो इस पॉइंट पे जो आपका बॉन्ड बना है अगर इसको आपको तोड़ना है बॉन्ड को, तो आपको कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, इतनी ही एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। अगर आप इतनी एनर्जी दे दोगे तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, क्योंकि इस बॉन्ड की एनर्जी आपके, इस बॉन्ड की आपकी इतनी एनर्जी है, अगर आप बाहर से इतनी ही एनर्जी दे दोगे तो बॉन्ड आपका टूट जाएगा। तो इसलिए इस पॉइंट के कोरस्पोंडिंग जो एनर्जी थी उसको हमने बोला बॉन्ड एनर्जी। और इस पॉइंट के रिलेटिवली ही जो आपकी जो डिस्टेंस है, जो आप इस पॉइंट के रिलेटिवली जो ये आपका डिस्टेंस है, इसको हम बोलते हैं बॉन्ड लेंथ, हालांकि हम बॉन्ड लेंथ डिस्कस कर चुके हैं आपके थर्ड चैप्टर में। तो इसमें अभी हम डायग्राम के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, पीई कर्व के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। तो ओ पॉइंट जहां पे आपका बॉन्ड बना उधर आपकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, या ये बोलूं कि अट्रैक्शन फोर्स रिपल्सिव फोर्स के बराबर होती है। और उस पॉइंट के क्रॉसपॉन्डिंग जो एनर्जी होती है उसको हम बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं, और उस पॉइंट के क्रॉसपॉन्डिंग जो आपका इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होता है उसको हम बॉन्ड लेंथ बोल देते हैं, ठीक बात है। तो ये आपको समझ आ गया सारा कि पहले क्या था, पहले आपकी अट्रैक्टिव फोर्स प्रीडोमिनेंट थी एज कंपेयर टू रिपल्सिव फोर्स, और जैसे जैसे आपके दो एटम क्लोज आते गए अट्रैक्टिव फोर्स आपकी क्या होती गई, कम होती गई, अट्रैक्टिव फोर्स आपकी कम होते जा रही थी। हाँ, जैसे जैसे दो चीजें क्लोज आएंगी, पहले आपकी अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ रही है, लेकिन आप जैसे जैसे और ज्यादा क्लोज आएंगे वैसे वैसे अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स एक दूसरे के बराबर आने लग जाएगी। इस केस में आपकी अट्रैक्टिव फोर्स रिपल्सिव फोर्स एक दूसरे के बराबर आ गई, और उस केस में आपकी इक्विलिब्रियम कंडीशन अचीव होगी, मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन में आपकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। तो इस पॉइंट पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, और इस पॉइंट पे ही आपका बॉन्ड बनता है, और उसके क्रॉसपॉन्डिंग जो एनर्जी होती है उसको हम बॉन्ड एनर्जी बोल देते हैं, और उसके क्रॉसपॉन्डिंग जो आपका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होता है उसको हम बॉन्ड लेंथ बोल देते हैं। अब अगर आप फर्दर आगे जाओ, आपका बॉन्ड बन गया, तब भी आप अगर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इंक्रीज कर रहे हो, तो उस केस में आपकी रिपल्सिव फोर्स अब प्रीडोमिनेंट हो जाएगी एज कंपेयर टू अट्रैक्टिव फोर्स। मतलब बॉन्ड बनने के बाद भी अगर आप इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इंक्रीज करोगे, तब उस कंडीशन में आपकी रिपल्सिव फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स से ज्यादा हो जाएगी, तो ये काम आपका हो जाएगा, ठीक है। तो आपकी जब रिपल्सिव फोर्स ज्यादा होने लगी, तो आप देख रहे हो, क्लियरली देख रहे हो कि आपकी पोटेंशियल एनर्जी फिर से इंक्रीज होने लग गई। मतलब पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होने लगी, मतलब स्टेबिलिटी क्या हुई, स्टेबिलिटी आपकी डिक्रीज होने लग गई। मतलब सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी इसी पॉइंट पे थी, है ना, इस पॉइंट पे, क्योंकि आपकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, तो इस पॉइंट पे स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा थी। तो वो पॉइंट जहां आपकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा हो, उधर ही आपका बॉन्ड बनता है, उधर ही आपका बॉन्ड बनता है। बात क्लियर है, ठीक बात है। अच्छा, तो इस पूरी कहानी में आप चाहो तो कुल मिला के तीन चार पॉइंट लिख सकते हो। तो पहली चीज क्या देखा अभी हमने इस पूरी स्टोरी में, पहली चीज हमने ये देखा कि जैसे जैसे दो एटम क्लोज आ रहे हैं वैसे वैसे ही आपके अट्रैक्शन, मतलब जैसे जैसे दो एटम क्लोज आ रहे हैं वैसे वैसे आपकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है। तो सबसे पहले क्या हो रहा है कि अट्रैक्शन फोर्स प्रीडोमिनेंट कर रही है रिपल्सिव फोर्स को, है ना, अट्रैक्टिव फोर्स क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू रिपल्सिव फोर्स। स्टार्टिंग में अपना काम यही हो रहा है कि अट्रैक्टिव फोर्स रिपल्सिव फोर्स के ज्यादा है जब दो एटम क्लोज आ रहे हैं। तो इस केस में आपके अभी क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी आपकी कम हो रही है। तो अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है रिपल्सिव फोर्स से, तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी आप देख रहे हो कम हो रही है। पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया, पहली स्टोरी का जो पहला पैरा था वो ए था। दूसरा क्या है, आगे जाके आपकी अट्रैक्शन फोर्स रिपल्सिव फोर्स के बराबर हो जाती है, तो फिर क्या होता है इस केस में आपकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाती है, आगे फिर फर्दर क्या होता है, अब इस केस में आपका मतलब इस इधर ही आके आपका बॉन्ड बन जाता है। अब बॉन्ड बनने के बाद भी अगर आप डिस्टेंस को डिक्रीज करो तब आपका इस केस में क्या होता है, इस केस में आपकी रिपल्सिव फोर्स ज्यादा हो जाती है अट्रैक्टिव फोर्स से, मतलब वापस आपकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होने लग जाती है। तो पूरा काम यही हुआ, सबसे पहले क्या होता है जब दो एटम्स आपस में क्लोज आते हैं तो आपके अट्रैक्शन फोर्स पहले ज्यादा होती है और रिपल्सिव फोर्स कम होती है, तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी कम होते जाती है, और पोटेंशियल एनर्जी कम होते जाती है तो एक टाइम ऐसा आता है जहां पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम आ जाए, और उस कंडीशन पे आपके अट्रैक्शन फोर्स रिपल्सिव फोर्स के बराबर हो जाती है, तो इधर आपका बॉन्ड बन जाता है। और बॉन्ड बनने के बाद भी अगर आप क्या करो, अगर आप इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को कम करते जा रहे
रहे हो तो आप जबरदस्ती अब आप काम कर रहे हो, तो जब जबरदस्ती काम कर रहे हो तो आपकी उस केस में आपकी रिपल्सिव फोर्स ज्यादा हो जाती है अट्रैक्टिव फोर्स से, तो उस केस में आपकी पोटेंशियल एनर्जी फर्दर फिर इंक्रीज होने लग जाती है। तो ये हमने देखा, पहले पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई, फिर इधर आके मिनिमम होगी, और मिनिमम होने के बाद फिर आपकी इंक्रीज होने लग गई, ठीक बात है। और जहां मिनिमम थी उधर ही आपका बॉन्ड बना। चौथा पॉइंट चाहो तो ये लिख सकते हो कि जो बॉन्ड फॉर्मेशन का प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक है, है ना। बॉन्ड फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है एक्सोथर्मिक होता है, एक्सोथर्मिक। और जो बॉन्ड ब्रेकिंग का प्रोसेस होता है, बॉन्ड ब्रेकिंग का प्रोसेस है ना, बॉन्ड एनर्जी जो हमने लिखी थी अभी, ये जो हमने बॉन्ड एनर्जी लिखी थी, इधर आके तो आपका बॉन्ड बन गया। अब इस बॉन्ड को अगर आपको तोड़ना है तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, और उस एनर्जी को ही बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। इस बॉन्ड को अब इधर आके आपका बॉन्ड बन गया, अब इस बॉन्ड को अगर आप तोड़ना चाहते हो, इस एटम को वापस ऐसे अलग अलग करना चाहते हो, ये जो आपका बॉन्ड बना है इनके बीच में जो इंटरेक्शन है इसको वापस ऐसे ही करना चाहते हो, तो आपको एनर्जी अब देनी पड़ेगी कि तुम दोनों अलग हो जाओ, है ना, आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जो बॉन्ड फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है वो एक्सोथर्मिक होता है, उस केस में एनर्जी रिलीज होती है, और जब बॉन्ड को तोड़ना है तो आपको एनर्जी देनी पड़ती है, तो आपको एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है। तो बॉन्ड ब्रेकिंग का जो प्रोसेस है वो आपका एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, आपका एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो कुल मिला के इस जो पूरा ये पोटेंशियल एनर्जी कर्व है, इसमें से कुल मिला के जो आपके क्वेश्चन बन सकते हैं अगर जेई नीट में बने, तो इन पांच पॉइंट पे ही बन सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। पहले अट्रैक्शन फोर्स रिपल्सिव फोर्स से ज्यादा, तो पोटेंशियल एनर्जी आपकी कम हो गई। अट्रैक्शन फोर्स एक टाइम आएगा कि रिपल्सिव फोर्स के बराबर हो गई, उस केस में पोटेंशियल एनर्जी आपकी मिनिमम हो जाएगी, और उसी केस में आपका बॉन्ड बनता है, ठीक है। आगे फिर फर्दर और अगर आप इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम कर दो तो रिपल्सिव फोर्स ज्यादा हो जाती है अट्रैक्टिव फोर्स से, और पोटेंशियल एनर्जी आपकी इंक्रीज होने लग जाती है फर्दर वापस। उसके बाद हमने देखा कि बॉन्ड फॉर्मेशन का प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है, और बॉन्ड ब्रेकिंग का प्रोसेस आपका एंडोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या कि एनर्जी रिलीज होना, एंडोथर्मिक प्रोसेस का मतलब क्या कि एनर्जी देना, ठीक है, एनर्जी अब्सॉर्ब होना। तो ये पांच पॉइंट ही आपके पूरे कर्व में पूछ सकते हैं, और मैंने पूरा कर्व आपको एक्सप्लेन कर दिया कि क्या एक कर्व है, पोटेंशियल एनर्जी का कर्व क्या है, और बॉन्ड जो हमने पहला पॉइंट देखा था कि टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, तो आप देख रहे हो ना कि जहां आपका बॉन्ड बनता है उस जगह पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाती है, और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो गई तो स्टेबिलिटी आपकी मैक्सिमम हो जाती है, तो स्टेबिलिटी आपकी मैक्सिमम हो जाती है, ठीक बात है। तो जिस पॉइंट पे आके आपका बॉन्ड बनता है उसके जगह पे आके आपकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाती है और स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो जाती है। इसीलिए बॉन्ड इसीलिए बनता है, कोर्स ऑफ बॉन्डिंग का जो हमने पहला पॉइंट लिखा था कि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम करना, तो पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमम क्यों कर रहे हैं, क्यों दो एटम आपस में कंबाइन करके अपनी पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमम करने की चाहत रखते हैं, क्यों कर रहे हो, क्योंकि जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी तो स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो जाएगी, तो दोनों एक दूसरे को स्टेबल कर देंगे, दोनों एक दूसरे को स्टेबल कर देंगे, ठीक बात है। अच्छा, तो पहला काम हो गया पोटेंशियल एनर्जी कर्व के अकॉर्डिंग हमने चीजें देख ली कि पोटेंशियल एनर्जी आपकी जैसे जैसे पोटेंशियल एनर्जी जहां मिनिमम होगी उधर आपका बॉन्ड बनेगा, और जब पोटेंशियल एनर्जी जहां मिनिमम होगी उस केस में आपकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती है। इसीलिए हम जब बॉन्ड बनता है तब दो एटम अपनी पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमम करने की कोशिश करते हैं, सो डैट वो स्टेबिलिटी को मैक्सिमम कर पाए। तो पहला रीजन तो ये हो गया कि आपका बॉन्ड क्यों बनना चाहता है, बॉन्ड इसलिए बनना चाहते हैं दो एटम के बीच में, सो डैट वो पोटेंशियल एनर्जी को अपनी मिनिमम कर पाए, और जब उनकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाएगी तो स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो जाएगी उनकी, और हर एक एटम और मॉलिक्यूल चाहता है कि मैं अपने आप को स्टेबल कर लूं, तो इसलिए जब वो आपस में इंटरैक्ट करते हैं तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाती है और आपका बॉन्ड बन जाता है। बॉन्ड इसलिए बनता है क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाती है, जहां आपका बॉन्ड बनता है उधर आपकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाती है, और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो गई मतलब स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो गई। तो बॉन्ड इसीलिए बनता है सो दैट वो पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमम कर पाए और स्टेबिलिटी को मैक्सिमम कर पाए, और स्टेबिलिटी को मैक्सिमम कर पाए, ठीक बात है। चलो ठीक है, ये पहली बात होगी पोटेंशियल एनर्जी कर्व, पोटेंशियल एनर्जी कर्व, स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो गई और रिएक्टिविटी क्या हो गई, मिनिमम हो गई, है ना, जहां स्टेबिलिटी मैक्सिमम उधर रिएक्टिविटी मिनिमम। अच्छा, आगे एक चीज और लिखी थी मैंने, सेकंड पॉइंट जो था आपका ऑक्टेट रूल, है ना, कि स्टेबिलिटी टू द टेंडेंसी टू एक्वायर नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, द टेंडेंसी टू एक्वायर नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, उसकी बात कर लेते हैं कि उसमें हमने क्या देखना है। देखो एक भाई साहब आए थे जिनका नाम था लियोइस, ठीक है, मैं लेविस कह के बुलाता हूँ वैसे, लेकिन काफ़ी लोग प्रनाउंस करते हैं लियोइस नाम से भी, ठीक है, प्रनाउंस देख लेना, आपको कुछ इधर प्रनाउंस करना तो देखना नहीं, आपको जेई नीट क्लियर करना है, तो मैं लेविस ही बोलूँगा, आप अपने अकॉर्डिंग जो मर्जी मान लेना, ठीक है।
तो एक भाई साहब आए थे, लेविस भाई साहब, ठीक है, एक लेविस भाई साहब आए थे और उन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसको बोलते हैं लेविस ऑक्टेट रूल। उन्होंने एक रूल दिया था या एक थ्योरी दी थी, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है, उसको हम बोलते हैं लेविस ऑक्टेट रूल। इन्होंने क्या किया ना, इन्होंने यार नोबल गैस को ना बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया। नोबल गैस है ना, जैसे नियोन, आर्गन है ना, क्रिप्टोन, इन सबको इन्होंने बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया, क्योंकि नोबल गैस इनको दिख रहा था कि यार नोबल गैस तो बहुत अच्छी चीज है कि किसी से रिएक्ट ही नहीं करती है। अरे नोबल गैस किसी से रिएक्ट नहीं करती है ना, नोबल गैस किसी से भी रिएक्ट नहीं करती है, और अगर रिएक्ट नहीं करती है, जिसकी रिएक्टिविटी कम उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, ये तो थंब रूल है, याद रखो, जिसकी रिएक्टिविटी कम उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। और कंसेप्चुअली फील भी है आपके अंदर कि जिसकी रिएक्टिविटी कम होगी उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा ही होगी, ऑब्वियस बात है, कुछ रटने वाली तो बात ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो नोबल गैस की यार रिएक्टिविटी बहुत कम थी, मतलब इनकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो इन्होंने क्या किया, इसको देखा ध्यान से और समझा कि क्यों इनमें ऐसा हो रहा है। तो इनको समझ आया कि जैसे नियोन का देखूं तो नियोन की आपको कॉन्फिग्रेशन पता है कि 1s2, 2s2, 2p6 एक कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो इन्होंने देखा कि नियोन का जो आपका आउटर मोस्ट शेल है उसमें कंप्लीटली फिल्ड है वो, नियोन का जो आउटर मोस्ट शेल है वो कंप्लीटली फिल्ड है, मतलब इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक बात है। इसी तरह जब आर्गन का देखोगे आप तो आर्गन में भी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, तो इसमें भी आप देखोगे तो आउटर मोस्ट शेल में इसका क्या है, आउटर मोस्ट शेल इसका में इसके 8 इलेक्ट्रॉन है, इसने भी इसमें देखा तो इसके आउटर मोस्ट शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन है। तो इनको ये दिखा कि मतलब इन्होंने सोचा कि यार जहां भी जिसमें भी आपके 8 इलेक्ट्रॉन होंगे आउटर मोस्ट शेल में उसमें स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। इन्होंने ये सोचा, इन्होंने नोबल गैस को ऑब्जर्व किया, उनको पता था कि नोबल गैस की रिएक्टिविटी कम है तो मतलब उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो इन्होंने देखा कि इसका रीजन क्या है कि नोबल गैस की स्टेबिलिटी ज्यादा क्यों है। तो जब इन्होंने अपना कॉन्फिग्रेशन देखी तो कॉन्फिग्रेशन में देखा कि इसमें 8 इलेक्ट्रॉन थे, इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन थे, मतलब इनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन थे। तो इन्होंने एक रूल बनाया कि जिस भी, ध्यान से सुनना, कि जिस भी एटम में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब जिस भी एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होगा, ऑक्टेट मतलब 8, ऑक्टेट का मतलब 8 होता है, कि जिस भी एटम में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी स्टेबिलिटी काफी अच्छी होगी, उसकी स्टेबिलिटी काफी अच्छी होगी, बात ठीक है। इन्होंने ऑब्जर्व किया, मतलब लेविस ऑक्टेट ऑक्टेट रूल का जो आपका रेफरेंस है, रेफरेंस क्या है, नोबल गैसेस, नोबल गैसेस को इन्होंने अपना रेफरेंस मान के अपनी थ्योरी दी थी, ठीक बात है। अच्छा, लिखते हैं कि थ्योरी इनकी क्या बोलती थी या ऑक्टेट रूल क्या बोलता था। देखो, अकॉर्डिंग टू लेविस एटम कंबाइन टू अचीव नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, टू अचीव नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन, या नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन की जगह आप ऑक्टेट लिख दो, बेटर रहेगा ना, देखना। अकॉर्डिंग टू लेविस एटम कंबाइन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट टू गेन स्टेबिलिटी। इन्होंने बोला था लेविस भाई साहब ने, क्या बोला, अगर छोटी सी एक स्टेटमेंट बोलूं तो इन्होंने ये बोला कि अकॉर्डिंग टू लेविस, लेविस के अनुसार एटम्स जो हैं वो आपस में कंबाइन होते हैं टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। एटम्स एक दूसरे से, इन्होंने बोला कि एटम एक दूसरे से इसलिए ही कंबाइन होते हैं सो दैट वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर पाए। अभी हम देखेंगे कैसे ऑक्टेट कंप्लीट होता है। और जब आपको पता है कि नोबल गैस में ऑक्टेट पूरा होता है, नोबल गैस में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसलिए वो स्टेबल थे। तो जब इन्होंने बोला कि एटम इसलिए कंबाइन होते हैं आपस में सो दैट वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर पाए, और जब वो ऑक्टेट अपना कंप्लीट कर लेंगे तो क्या होगा, तो स्टेबिलिटी गेन हो जाएगी, तो इसलिए इन्होंने एक अपने तरीके से बताया कि कैसे स्टेबिलिटी गेन होती है जब बॉन्ड बनता है।
हमने स्टार्टिंग में देखा था कि बॉन्ड क्यों बनता है, टू अटेन स्टेबिलिटी। उसका हमने पहला रीजन समझा कि पोटेंशियल एनर्जी कर्व से, कि पोटेंशियल एनर्जी कर्व से देखा कि कैसे कैसे आपकी एनर्जी मिनिमम हो रही है, कैसे आपकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी आपकी इंक्रीज होगी। दूसरे भाई साहब ये आए थे, इन्होंने अपने तरीके से एक्सप्लेन किया, इन्होंने बोला कि जब ऑक्टेट कंप्लीट होता है तब आपकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो जाती है, तब आपकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो जाती है। देखते हैं कैसे। देखो ठीक है, तो सबसे पहली बात, अकॉर्डिंग टू लेविस एटम कंबाइन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट टू गेन स्टेबिलिटी। क्योंकि इन्होंने नोबल गैस को देखा, तो नोबल गैस में सब में यार 8 इलेक्ट्रॉन थे आउटर मोस्ट शेल में, और इनको पता था कि नोबल गैस तो काफी स्टेबल है क्योंकि उनकी रिएक्टिविटी कम है। तो इन्होंने कहा कि जो भी एटम्स ऑक्टेट अपना कंप्लीट करेंगे उनकी स्टेबल वो गेन कर लेंगे स्टेबिलिटी को। तो इन्होंने कहा कि एटम्स इसीलिए कंबाइन होते हैं सो डैट वो स्टेबिलिटी को गेन कर पाए ऑक्टेट अपना कंप्लीट करके। ठीक बात है। अच्छा देखते हैं कैसे। अब ये जो ऑक्टेट कंप्लीट होता है, अच्छा जो ऑक्टेट जो कंप्लीट होता है, पहले बात कर लेते हैं उसकी, फिर हाइड्रोजन की बात कर लेता हूँ। चलो तो जो ऑक्टेट कंप्लीट होने के दो तरीके हो सकते हैं। अब पहला ऑक्टेट कंप्लीट हो सकता है बाय ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसके केस में आपका आयोनिक बॉन्ड बनता है। देखो इलेक्ट्रॉन के ट्रांस मतलब आपका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए दो तरीके हो सकते हैं। ऑक्टेट को दो एटम्स जो आपस में ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं वो दो तरीके से करते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देते हैं या इलेक्ट्रॉन को शेयर कर देते हैं। ठीक है देखते हैं। पहला तरीका है जैसे एटम्स अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकते हैं उसको बोलते हैं बाय ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इस केस में आपका आयोनिक बॉन्ड बनता है। देखो कैसे होता है, जैसे सोडियम है, हाँ सोडियम है, तो सोडियम का आपको पता है कि सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, ए इसकी कॉन्फ़िगरेशन है। बोलो यार, ए इसकी कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, इधर आपका लेफ्ट से ले लेते हैं क्लोरीन, क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, एक क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन है, कॉन्फ़िगरेशन आप लिख लेते हो। अब आपको क्लियरली दिख रहा है कि जब इस सोडियम से अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, सोडियम से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो आपका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ रही है, आपकी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ रही है, मतलब नियोन वाली कॉन्फ़िगरेशन आ रही है। और जब इसको मैं एक इलेक्ट्रॉन दे दूं, मतलब इसमें अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन और डाल दूं, मतलब 3p6 हो जाए, अगर ये 3p6 हो जाए तो आपकी फिर से नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ रही है, मतलब आर्गन के जैसे कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो रही है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो रही है। तो मतलब अगर सोडियम आपका एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे, तो इसकी एक कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो जाएगी, और जो सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है वो क्लोरीन एक्सेप्ट कर ले। अरे सोडियम तभी इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा ना जब कोई सामने एक्सेप्ट करने वाला भी हो, ऐसे थोड़ा लॉस कर देगा। तो जो सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, लॉस किया, अगर उसको क्लोरीन एक्सेप्ट कर ले, तो देखो अब इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, मतलब इसके भी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, अब 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और इसने मतलब इसने आपकी नियोन की कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर ली, और इसने आपकी आर्गन की कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर ली, तो आप क्लियरली देख रहे हो क्या हो रहा है, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, इसने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर ली, मतलब ये भी स्टेबल हो गया, और जो इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया था वो इसने एक्सेप्ट कर लिया, और इसने भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर ली। देख रहे हो एक दूसरे की कैसे हेल्प करते हैं एटम्स। इसने अपना इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, इसको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो गई, इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, क्लोरीन ने कहा यार मुझे दे दे, अगर तू मुझे दे देगा तो मैं स्टेबल हो जाऊंगा, तो इसने कहा चलो वैसे मुझे तो देना ही है क्योंकि मैं दे दूंगा तो मैं स्टेबल हो जाऊंगा, तो इसने कहा कि मैं तुझे दे देता हूं, तो इसने इसको दिया तो ए भी स्टेबल हो गया, इसने इलेक्ट्रॉन दिया, इसने एक्सेप्ट किया, दोनों स्टेबल हो गए। देखो कितनी ब्यूटी है केमिस्ट्री में, एक दूसरे को स्टेबल करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो ए आपका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन नियोन की अचीव हो गई, इधर आपकी आर्गन की अचीव हो गई, तो इधर आप देख रहे हो कि इधर ऑक्टेट आपका कंप्लीट हो गया, इधर भी आपका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, और जब सोडियम पॉजिटिव और सीएल नेगेटिव बन गया, तो यही आपका सोडियम पॉजिटिव और सीएल नेगेटिव आपस में इंटरैक्ट करते हैं, यही आपका सोडियम पॉजिटिव और सीएल नेगेटिव आपस में इंटरैक्ट करके NaCl बनाते हैं। तो जब जब तक सोडियम पॉजिटिव और सीएल नेगेटिव ना बनता तब तक आयोनिक बॉन्ड कैसे बनता,
आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए आपके पास आयंस तो होने चाहिए, और आयंस बनाने के लिए आपको सोडियम पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव बनाना होगा। मतलब आयोनिक बॉन्ड बनाने के लिए, आयोनिक बॉन्ड बनाने के लिए पहले उसको अपना, जब उसको आयनिक बॉन्ड बनाना था तो सबसे पहले उसने अपना ऑक्टेट को कंप्लीट किया, ऑक्टेट को जब कंप्लीट किया तब उसने आयनिक बॉन्ड बनाया, है ना। पहले स्टेबल जगह पे आए, उसके इन्होंने आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, ठीक बात है। तो बाय ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले देखो क्या हुआ, इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ही हुआ कि इसने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया और इसको ट्रांसफर कर दिया, इसने इलेक्ट्रॉन को लॉस करके इसको, ए वाला जो इसका इलेक्ट्रॉन था इसको इसने लॉस करके इसको ट्रांसफर कर दिया, तो ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। तो जब इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफरिंग हुई तो इसने भी नोबल गैस कॉन्फिगरेशन को अचीव कर लिया, मतलब इसने भी ऑक्टेट पूरा कर लिया अपना, और इसने भी अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। और जब ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है तो लेविस भाई साहब ने बोला था कि जब ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है तब आपका क्या होता है, तो स्टेबिलिटी गेन हो जाती है, तो स्टेबिलिटी गेन हो जाती है, ठीक बात है। तो देख रहे हो आयनिक बॉन्ड कब बन रहा है, जब आपका इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, जब ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होने से इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जा रहा है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जा रहा है, तो बॉन्ड आपका बन जा रहा है। तो कॉज ऑफ बॉन्डिंग क्या है, कॉज ऑफ बॉन्डिंग है टू गेन स्टेबिलिटी। बॉन्डिंग क्यों होती है, गेन स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए। उसका पहला तरीका समझने का हमने ये देख लिया पोटेंशियल एनर्जी कर्व, कि पोटेंशियल एनर्जी कर्व से हमने देख लिया कि स्टेबिलिटी कैसे गेन हो रही थी। दूसरा तरीका है लेविस ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि जब हम, जब आपका इसने ट्रांसफर किया इलेक्ट्रॉन को इधर से इधर, तब आपका इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और जब ऑक्टेट आपका कंप्लीट होता है तो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अचीव हो जाती है, नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अचीव हो गई तो स्टेबिलिटी आपकी इंक्रीज हो जाती है, और स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है तो आपका बॉन्ड बनता है। स्टेबिलिटी इंक्रीज हुई तभी तो आपका बॉन्ड बना, सोडियम और सीएल में तो कोई बॉन्ड नहीं था ना, इनमें तो कोई बॉन्ड नहीं बन रहा था अभी। जब इसने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया और जब ऑक्टेट कंप्लीट किया तभी आपका बॉन्ड बना, तभी आपका आयनिक बॉन्ड बनना शुरू हुआ, क्योंकि तभी आपका सोडियम पॉजिटिव और सीएल नेगेटिव बने, तभी आपका NaCl बना, ठीक बात है। तो बॉन्ड क्यों बनता है टू अचीव स्टेबिलिटी या टू अचीव नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, एक ही बात है, ठीक है। तो पहला तरीका है ऑक्टेट कंप्लीट करने का बाय ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इसने इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, और बाद में जब ऑक्टेट कंप्लीट हो गया तो इन्होंने आपस में बॉन्ड बना लिया, जिसको हम आयनिक बॉन्ड बोल देते हैं। तो पहला तरीका है ऑक्टेट को कंप्लीट करने का, जिसको हम बोलते हैं बाय ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और उस केस में आपका आयनिक बॉन्ड बनता है, ठीक बात है। अच्छा, दूसरा तरीका है जैसे जिससे आप ऑक्टेट कंप्लीट कर सकते हो, उसको हम बोलते हैं बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट को बस हमें कंप्लीट करना है। अब ऑक्टेट कंप्लीट करने के दो तरीके हैं, एक पहला बाय ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन को आप ट्रांसफर करोगे तो आपके आयंस बनेंगे और उस केस में आपका आयनिक बॉन्ड बनता है, और एक दूसरा तरीका भी है ऑक्टेट को कंप्लीट करने का, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, पहले क्या होता, सोडियम से पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन निकल के क्लोरीन में चला जा रहा था, ट्रांसफर हो रहा था सीधा, शेयरिंग नहीं हो रही थी। अब देखो क्या होता है, जैसे मैं बात करूं मीथेन की, मीथेन में आपका कोवलेंट बॉन्ड होता है ना, मीथेन का स्ट्रक्चर वैसे ऐसे होता है, स्ट्रक्चर को हम देखेंगे, वो बाद की बात है, अभी तो बहुत दूर है वो, ऐसा कुछ मीथेन का स्ट्रक्चर होता है ना। तो मीथेन में जो आपके होते हैं कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, चार कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। तो अब देखो क्या होता है एक्चुअल में, जैसे कार्बन की बात करूं तो कार्बन की आपको कॉन्फ़िगरेशन पता है क्या होती है, 1s2 2s2 2p2 ए होती है, ठीक बात है। इसको अगर हम देखें, ऐसे अगर हम देखें ऑर्बिटल्स में फिलिंग के अकॉर्डिंग, तो कुछ ऐसा ही है, बोलो भाई, ऐसा ही है, ठीक है। आपका कार्बन है और कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन ये होती है। अब एक कार्बन की ग्राउंड स्टेट है, अब अगर इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, कार्बन हाइड्रोजन से कंबाइन होकर मीथेन बना रहा है, अरे मीथेन क्यों बना रहा है, कार्बन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन क्यों हो रहा है, सारा सवाल तो आज का पूरा सवाल तो यही है ना, कि कार्बन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर मीथेन क्यों बना रहा है, क्यों बॉन्ड बन रहे हैं। तो उसका रीजन यही है, क्योंकि देखो अभी कार्बन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर ना अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर देगा, अभी देखना कैसे करेगा। एक कार्बन की ग्राउंड स्टेट है, ठीक बात है, इसकी एक्साइटेड स्टेट क्या होती है, कि मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके आगे चला जाना, उसको ही हम बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट, है ना। अगर आपने क्रोमियम और
क्रोमियम और कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन देखी होगी, तो उधर भी आपने एक्साइटेशन स्टेट की हमने बात की थी कि एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, ठीक है। तो वैसे इधर अभी हम बात करें तो इधर अभी तो हमें दूसरी बात करनी है, ए एक्साइटेशन एक्चुअल में किसके कारण होती है, अभी समझो, समझ सकते हो, बहुत डेप्थ में जा रहे हैं। क्या होता है जब आपके हाइड्रोजन क्लोज आते हैं, ए हाइड्रोजन एटम है, जब ये क्लोज आते हैं, बोलो भाई, एक कार्बन है, एक कार्बन है, ए हाइड्रोजन है, कार्बन और हाइड्रोजन जब क्लोज आ रहे होते हैं, जब क्लोज आते हैं तो क्या होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, बॉन्ड बनना शुरू होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन का प्रोसेस एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो जब कार्बन और हाइड्रोजन एक दूसरे के क्लोज आते हैं तो आपकी एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है, बोलो भाई, तब आपकी एनर्जी रिलीज होती है, और जो एनर्जी रिलीज होती है वही एनर्जी यूज होती है इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करा के इधर फेंकने में। अरे यार, इस इलेक्ट्रॉन को इधर से उठा के इधर फेंकना है तो कुछ एनर्जी की तो रिक्वायरमेंट होगी, वो एनर्जी कहाँ से आती है, वो एनर्जी इधर से ही आती है, जब कार्बन और हाइड्रोजन एक दूसरे के क्लोज आते हैं तब एनर्जी आपकी रिलीज होती है, और जो एनर्जी रिलीज होती है वही एनर्जी यूज होती है इसको एक्साइट करा के इधर फेंकने में। एक डेप्थ है, इसको समझो, कि पता भी होना चाहिए, बस ऐसे ना हो कि बस आप ऐसे कूदा दो, आपको पता भी तो हो कूदा क्यों, आपका इलेक्ट्रॉन कूदा क्यों, क्योंकि एक्साइटेशन कराने के लिए तो एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी कहाँ से आ रही है, क्योंकि जब एक कार्बन और हाइड्रोजन आपस में क्लोज आ रहे होते हैं तो एनर्जी रिलीज हो रही होती है, और वही एनर्जी यूज होती है इस इलेक्ट्रॉन को इधर एक्साइट करने में, ठीक है। तो इस करके एक्साइटेड स्टेट आ जाती है। अब एक्साइटेड स्टेट आ गई कार्बन की, एक कार्बन की क्या है, कार्बन की एक्साइटेड स्टेट है। अब इधर आपके हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का ये आपका हाइड्रोजन होता है, 1s1 इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है ना, 1s1 इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो अब एक जैसे ए हाइड्रोजन है, एक चार हाइड्रोजन मैं बना रहा हूँ, ए आपके चार हाइड्रोजन है, ठीक है, ये चार हाइड्रोजन बनाया, ए भी आपका हाइड्रोजन है, ए भी हाइड्रोजन, ए भी हाइड्रोजन, ए भी हाइड्रोजन, क्योंकि CH4 बन रहा है ना। तो देखो अब क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा, इसके इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन के बीच में एक बॉन्ड, इसके इसके बीच में और इसके बीच में, इधर आपका ये ऐसे एक दो इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर, देखो क्या होता है जब दो इलेक्ट्रॉन शेयर, अब देखो शेयरिंग हो रही है, क्या हो रहा है, ये जो आपका बॉन्ड बना है शेयरिंग से बन रहा है, कि एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का था, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का था, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, और ऐसे करके आपका एक बॉन्ड बन रहा है, ऐसे करके आपका एक बॉन्ड बन रहा है, उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन फिर कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, फिर आपका दूसरा बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, तीसरा बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, चौथा बॉन्ड। जब अब देखो ये चार जब बॉन्ड बने तो क्या हुआ, इसे बॉन्ड बनने से क्या हुआ, आप क्लियरली देख रहे हो कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जा रहा है, क्योंकि देखो पहले कार्बन के पास मैं बात करूं तो कार्बन के पास आपके आउटर मोस्ट शेल में चार इलेक्ट्रॉन थे, आउटर मोस्ट शेल में आपके चार इलेक्ट्रॉन, दो एस के दो पी के, तो चार इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन जब इसने चार हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिए तो अब आपके इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, दो इलेक्ट्रॉन ए रहे, दो इलेक्ट्रॉन ए रहे, दो ए रहे, दो ए रहे, आठ इलेक्ट्रॉन हो गए, बोलो भाई आठ इलेक्ट्रॉन हो गए, क्योंकि हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लिया, इनके साथ शेयर कर लिया, तो पहले इसके पास छह इलेक्ट्रॉन, पहले इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, पहले इसके पास चार इलेक्ट्रॉन थे, आउटर मोस्ट की बात करूं, पहले इसके पास चार इलेक्ट्रॉन थे, जब हाइड्रोजन ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया तो इसके पास आठ इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, और ऑक्टेट कंप्लीट हो गया मतलब स्टेबिलिटी गेन हो जाएगी, स्टेबिलिटी गेन हो जाएगी। तो दूसरा तरीका ऑक्टेट कंप्लीट करने का है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि कार्बन ने अपना, कार्बन ने क्या किया, हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, चार हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन ले लिया और उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल में चार इलेक्ट्रॉन थे और उसको चार इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी अपना, क्या चार इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो उसने चार हाइड्रोजन लिए और चारों से एक एक क्या किया, चारों से एक एक इलेक्ट्रॉन लेके आपका CH4 बना दिया, सो डैट उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, इसीलिए CH4 बनता है ना कि CH3 बनता है, CH3 कभी भी नहीं बनता है, क्यों नहीं बनता है CH3, क्योंकि CH3 बनाने से होगा क्या, CH3 बनाने से ऐसे ही होगा, तो ऑक्टेट कहां कंप्लीट हुआ, अभी तो सात ही इलेक्ट्रॉन आए है ना, अभी सात ही इलेक्ट्रॉन आए, चार इसके तीन इसके, सात ही इलेक्ट्रॉन आए, तो अभी तो ऑक्टेट कंप्लीट हुआ ही नहीं, तो CH3 कभी भी नहीं बनता है, CH2 भी कभी भी नहीं बनता है, क्योंकि इस केस में आपका ऑक्टेट ही कंप्लीट नहीं हो रहा है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा तो स्टेबिलिटी गेन ही नहीं होगी, तो जब स्टेबिलिटी गेन ही नहीं होगी तो बॉन्ड बनेगा क्यों, बॉन्ड तभी बनेगा जब स्टेबिलिटी गेन होगी, और स्टेबिलिटी गेन करने के लिए आपको चार हाइड्रोजन
का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि चार इलेक्ट्रॉन्स की इसको जरूरत है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कार्बन को, और चार इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है तो हर एक हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा इसके साथ, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, और ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा तो आपका कार्बन स्टेबल हो जाएगा, कार्बन स्टेबल हो जाएगा इसीलिए कार्बन चार हाइड्रोजन से कंबाइन होकर आपका मीथेन बनाता है, इसीलिए आपका मीथेन बनाता है, CH3 या CH2 नहीं बनाता है। कोई आपसे पूछे कि चलो मीथेन तो बनता है, CH3 या CH2 क्यों नहीं बनता है, क्यों बनाएगा भाई जब ऑक्टेट कंप्लीट ही नहीं हो रहा है या स्टेबिलिटी गेन ही नहीं हो रही है, तो ये क्यों बनेंगे बॉन्ड? तो बॉन्ड तभी बनते हैं तब जब आपकी स्टेबिलिटी गेन हो, बॉन्ड बनते ही तब है जब आपकी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, जब तो इस केस में तो आपकी स्टेबिलिटी कुछ गेन ही नहीं हो रही है तो बॉन्ड क्यों बनाएगा, इसलिए आपका CH4 बनता है, CH3 और CH2 नहीं बनता है। ठीक बात है, तो ऐसे करके आपका क्या करता है, कार्बन आपका ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है चार इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग करके। ठीक है, और इस केस में आप देख रहे हो हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट होता है, यही मैं बताना चाहता था कि हाइड्रोजन के केस में ना आपका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करते हैं, ड्यूप्लेट कंप्लीट करते हैं, मतलब दो इलेक्ट्रॉन फिल करने होते हैं, क्योंकि आपको हाइड्रोजन जो रिसेंबल करता है हीलियम से करता है ना, हाइड्रोजन हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना चाहता होगा, और हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2, मतलब दो इलेक्ट्रॉन ही है आउटर मोस्ट शेल में, बस मतलब नोबल गैस में जो पहला आपका हीलियम है उसके केस में बस डुप्लेट होता है और बाकी सबके केस में ऑक्टेट होता है, आगे जितने भी हैं आपके है ना, नियोन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया है ना, एक्जोन हो गया, इन सब ए आगे जितने भी हैं इन सब में ऑक्टेट कंप्लीट होता है, इन सबके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन जो आपका पहला नोबल गैस होता है इसमें बस आउटर मोस्ट शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसलिए हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन अपना डुप्लेट कंप्लीट करता है ऑक्टेट की जगह, और बाकी सारे एटम ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, सिर्फ हाइड्रोजन ही एक एटम ऐसा एटम है जो डुप्लेट कंप्लीट करता है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में रखने की कोशिश करता है और बाकी सब 8 इलेक्ट्रॉन रखने की कोशिश करते हैं। ठीक बात है, इसलिए आप ना आप देख रहे हो कि पहले अब हाइड इस जब कार्बन आपका स्टेबल हुआ भी हमने कार्बन के अकॉर्डिंग तो देख लिया, कार्बन के अकॉर्डिंग तो देख लिया कि कार्बन ने आपका एक इलेक्ट्रॉन इसे लिया, एक इलेक्ट्रॉन इसे, एक इलेक्ट्रॉन इसे, एक इलेक्ट्रॉन इसे, चार इलेक्ट्रॉन लिए अलग अलग चार हाइड्रोजन से और अपने आपको अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया और स्टेबल हो गया। लेकिन हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को तभी देगा जब उसको भी कुछ फायदा हो रहा हो, ऐसे तो ना दे देगा कि ले ले यार तू अपने आप को स्टेबल कर ले, उसका भी कुछ फायदा हो रहा होगा तभी ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो इसका फायदा क्या हुआ, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, जब कार्बन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया, कार्बन ने जब अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया तो इसका भी तो डुप्लेट बन गया, और हीलियम जैसी कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो गई, तो ऐसा करने से कार्बन भी स्टेबल हुआ, हाइड्रोजन भी स्टेबल हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि कार्बन अपने अपने आप को स्टेबल कर दिया, हाइड्रोजन को अनस्टेबल कर दिया, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देगा ही नहीं, हाइड्रोजन भी तो जिद्दी है, अरे यार इसको स्टेबल करने के लिए हाइड्रोजन अपनी कुर्बानी क्यों दे। तो बॉन्ड तभी बनता है जब दोनों एक दूसरे को स्टेबल करने की मदद करें, तो इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया जिसके कारण कार्बन आपका स्टेबल हो गया, और इसने इसके साथ इलेक्ट्रॉन शेयर किया सो डेट आपका हाइड्रोजन भी स्टेबल हो गया। तो देख लो कितना ब्यूटी है, कितना मैजिक है, कितना प्यार है केमिस्ट्री में, एक दूसरे की हेल्प करके दोनों को ही स्टेबल कर दे रहे हैं, अरे लाइफ का एक आपका लर्निंग पॉइंट भी हो सकता है, जब आप दूसरों की हेल्प करोगे तो आपका नुकसान कभी भी नहीं होता है, आपका हमेशा फायदा ही होता है, राइट? तो जब भी मौका मिले दूसरों की हेल्प करने के ट्राई किया करो। ठीक है, चलो तो आप समझ गए। तो पहला तरीका था कि बाय ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, की ऑक्टेट को हम कंप्लीट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करके, जो हमने देखा था कि पूरा इलेक्ट्रॉन कूद गया था ना सोडियम से क्लोरीन पे, और इस केस में दूसरा तरीका है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस केस में आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ कि हाइड्रोजन ने अपना पूरा इलेक्ट्रॉन उठा के कार्बन को दे दिया, नहीं, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, कार्बन का इलेक्ट्रॉन, ये आपस में शेयरिंग करते हैं कि मेरा इलेक्ट्रॉन और तेरा इलेक्ट्रॉन एक आपस में शेयर कर लेते हैं, ऐसा नहीं होता कि हाइड्रोजन ने पूरा इलेक्ट्रॉन दे दिया कार्बन को, ये शेयरिंग करते हैं। तो दूसरा तरीका है ऑक्टेट कंप्लीट करने का, जिसको बोलते हैं बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो आपका कोवलेंट बॉन्ड बनता है, कोवलेंट बॉन्ड मतलब जब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो आपका आयनिक बॉन्ड बनता है, जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है तो आपका कोवलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं जिससे हम ऑक्टेट अपना अचीव कर सकते हैं, और ऑक्टेट जब अचीव होगा तो स्टेबिलिटी गेन होगी, और स्टेबिलिटी गेन होगी मतलब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी तो आपका तभी बॉन्ड बनेगा,
तभी बॉन्ड बनेगा। तो कोर्स ऑफ बॉन्डिंग समझ आ गया। पहला हमने देखा था टेंडेंसी टू अक्वायर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी तब आपकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, इसीलिए आपका बॉन्ड बनता है। बॉन्ड इसलिए बनता है क्योंकि जिस जगह पे आपका बॉन्ड बनता है उस जगह पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, और पोटेंशियल एनर्जी आपकी अगर मिनिमम हो जाएगी तो आपकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक बात है। और दूसरा तरीका कि ऑक्टेव कंप्लीट हो जाना, क्योंकि नोबल गैसेस को इन्होंने देखा कि नोबल गैस काफी स्टेबल थे क्योंकि उनकी रिएक्टिविटी कम थी, तो इन्होंने देखा कि उनके उनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो इन्होंने बोला कि हर एक एटम क्या होता है कि अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन लाने की कोशिश करता है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए सो दैट वो स्टेबिलिटी गेन कर ले। तो अब ऑक्ट करने के उसने दो तरीके बताए। पहला तरीका था ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे हमने NaCl की एग्जांपल दी कि सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन गया तो सोडियम भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लिया, क्लोरीन ने भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लिया, उसके बाद आपका आयनिक बॉन्ड बन गया। ठीक है। तो ये जो बॉन्ड बनने का पूरा प्रोसेस हुआ, पूरा प्रोसेस ही है ना कि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, तो ये पूरा प्रोसेस है। तो प्रोसेस में आपका इसी प्रोसेस में आपका आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। तो पूरा प्रोसेस हुआ क्यों? क्योंकि स्टेबिलिटी गेन हो जाए, क्योंकि स्टेबिलिटी गेन हो जाए। और इसी तरह आपका दूसरा तरीका है ऑक्टेट कंप्लीट करने का बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें हमने देखा कि जैसे कार्बन ए था, कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन एक्साइटेड स्टेट में ये थी। ठीक है। अब हर एक हाइड्रोजन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर दे रहा है, तो सो डैट कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, और कार्बन का जब ऑक्टेट कंप्लीट हो गया तो स्टेबल हो गया। इसलिए कार्बन 4 हाइड्रोजन से कंबाइन हो जाता है सो डैट वो स्टेबिलिटी को गेन कर ले, और इसी तरह आपका हाइड्रोजन जो है इसका एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपना डुप्लेट भी कंप्लीट कर लेता है। तो कार्बन भी स्टेबल हो गया, हाइड्रोजन भी स्टेबल हो गया, सब स्टेबल हो गए, आराम से प्यार से रह रहे हैं। इसीलिए आपके बॉन्ड बनते हैं, इसीलिए आपके ये जो बॉन्ड हैं ये इसीलिए बने हैं, सो डैट 4 बॉन्ड बन जाएंगे तो आपकी स्टेबिलिटी गेन हो जाएगी। ठीक है। तो ये हमने देख लिया कोज ऑफ बॉन्डिंग का रीजन। ठीक है। तो आज का लेक्चर इतना ही था। आज हमने क्या क्या डिस्कस किया कि बॉन्ड क्या होता है, अलग अलग टाइप के बॉन्ड देखे, पोटेंशियल एनर्जी कर्व के मेथड से समझने की कोशिश की कि क्यों बॉन्ड बनता है। बॉन्ड इसलिए बनता है क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमम कर पाए, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो जाएगी। और दूसरा तरीका ऑक्टेट लेविस ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग देखा। आगे के लेक्चर में अभी हम इस लेविस ऑक्टेट रूल को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर होगा आपका जिसमें हम लेविस डॉट स्ट्रक्चर को बनाना सीखेंगे, फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते हैं उसको सीखेंगे, और इसकी लिमिटेशन भी देखेंगे, कुछ इसकी लिमिटेशन भी वो भी देखेंगे। ठीक है। आज के लेक्चर में तो हमें बस इतना समझना था कि बॉन्डिंग का कोज क्या है, क्यों बॉन्डिंग होती है, दो केमिकल स्पीसीज में क्यों बॉन्ड बनते हैं। ठीक है। तो आज का लेक्चर इतना ही था। आज हमने बॉन्ड समझ लिया, बॉन्ड क्या होता है, कोज ऑफ बॉन्डिंग समझ लिया, टाइप्स ऑफ बॉन्ड देख लिए। ठीक है। तो आज का लेक्चर इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आपको डीपीपी मिल जाएगी, वैसे तो इस लेक्चर में कुछ खास डीपीपी है नहीं, लेकिन तभी मैं 3-4-5 कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनाने की कोशिश करूंगा, उसको आप कर लेना। ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही। इस पूरे चैप्टर को बहुत फोकसली करना, बार बार बोल रहा हूं। ठीक है। चलो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।